senses and pleadings. Drafting, appearances and pleadings. So, कितने marks का paper है? 100 वो सोनी 100 marks. पेपर नंबर, अच्छा ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, कोई ओल्ड से तो नहीं है ना आप, ऑब्वियसली न्यू से हो. तो पेपर नंबर कौन सा? 3. सो इस सब्जेक्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 2 पार्ट में. फर्स्ट पार्ट इज ड्राफ्टिंग एंड सेकेंड पार्ट इज अपीयरेंसेज एंड प्लीडिंग, या प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेज. फाइन, तो एक बार मुझे बताओगे कि ड्राफ्टिंग का मतलब कुछ लीगल सेंस में नहीं जनरल में? तो अगर ड्राफ्टिंग का मतलब जनरल सेंस में क्या होगा? ड्राफ्टिंग इन जनरल सेंस, लीगल नहीं, जनरल. फिर करेंगे लीगल में बात. कुछ 2 मिनट का ब्रशअप दे रहा हूं बस सब्जेक्ट का, 2 मिनट का. बताओ एक बार ड्राफ्टिंग का मतलब लीगल सेंस में क्या होगा? जनरल सेंस में, जनरल. कभी सुना है ना हम ड्राफ्टिंग आज से पहले, या फाइनल में आके सुना है? सुना है कभी? क्या मतलब होगा ड्राफ्टिंग का? जनरल. चलो मान लो सिक लीव लिख दी. स्कूल लाइफ में कभी किया है? तो मैं बोल सकता हूं कि हम अपने बचपन से ड्राफ्टिंग करते हुए हैं. मैं बोल सकता हूं ये इनफॉर्मल वे की ड्राफ्टिंग होती थी थोड़ी सी. और प्रैक्टिकल लाइफ में किसी करनी है? फॉर्मल वे की. तो एक बार बताओगे सिक लीव कैसे लिखते थे? प्रिंसिपल को डायरेक्ट लिख देते थे सिक लीव, टू द क्लास टीचर आगे. फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखते थे? स्टार्टिंग कैसे करते थे? और फिर सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, हाई का भी नाम बताते थे कितना, 103 104, और कितना मैं कितने दिन तक मैं ठीक हो जाऊंगा एग्जैक्ट बताते थे, 4 days 3 days, और इतने दिन में ठीक हो जाऊंगा. चलो भाई आपने सिक लीव लिख दी. उसके बाद सिक लीव लिखने के बाद आप क्या होता है, आप ऑफ, और साइन भी कर दिया आपने, अपने पेरेंट्स के साइन भी खुद से कर दिए. अभी आप घूम रहे हो मार्केट में, कहाँ चले गए? मार्केट में घूमने. और मार्केट में आप घूमने नहीं गए थे, एक्चुअली आप जा रहे थे मूवी देखने बंक करके, और फिर आपकी क्लास टीचर ने आपको देख लिया कोइंसिडेंटली, वो भी ऑफ पे थी, वो भी मूवी देखने गए थे. अब क्या होता है, क्या होगा फिर? तो आपको बोलेंगे एक बार कल मिलना स्कूल में. तो आपको आपके घर पे जाएगा एक नोटिस, आ जाओ कल आप अपने लड़के के साथ स्कूल में, आपको आना है, आपके क्लास टीचर के सामने अपीयर होना है. तो जो आप क्लास टीचर के सामने अपीयर हो गए नेक्स्ट डे जाके क्लास टीचर के सामने, दिस इज कॉल्ड अपीयरेंसेस. जो आपको उनके सामने जाकर रिप्रेजेंट करना है, खड़े होना है. हो सकता है आप इंडिविजुअली खुद भी जा सकते हो, क्लास टीचर बोल दे कल आप आगे मिलना, और हो सकता है वो बोल दे आप अपने पेरेंट्स के साथ आना, हो सकता है. तो आप अपीयर कैसे कर सकते हो? इटसेल्फ, खुद से भी कर सकते हो, और कैसे? अपने पेरेंट्स के थ्रू भी कर सकते हो, अपने किसी घर के गार्जियन के थ्रू भी कर सकते हो, अपने किसी के थ्रू भी कर सकते हो, लाइक ठीक है. तो एक तो ये हो गया, और कुछ एग्जाम्पल दोगे आप मुझे कुछ जनरल ड्राफ्टिंग का? जनरल ड्राफ्टिंग बोलो, कभी मिला है, दिया है किसी को? गट्स होने चाहिए इन काम के लिए. अब डिपेंड करता है फालतू है क्या है. कहने का मतलब मेरा, उसके लिए भी ड्राफ्टिंग होती थी, इवन इसके लिए तो ऐसी ड्राफ्टिंग होती थी पूरी की पूरी कॉपी खराब हो जाती थी, पूरी की पूरी कॉपी देखते थे ना, पूरी पूरी कॉपी. तो फंसते थे फिर क्या होगा? क्लास टीचर होता था. तो मेरा कहने का मतलब ये, जनरल सेंस में हम कोई भी चीज लिख रहे हैं. अच्छा मेरा कंसर्न क्या होता था सिक लीव देने का, या फिर ये लव लेटर देने का कंसर्न क्या था हमारा? अल्टीमेटली वजह क्या थी देने की? इन्फॉर्म करना, सामने वाले कन्वे करना, मैम को इन्फॉर्म करना, या अपनी ही शी जिसको भी, हमें इन्फॉर्म करना. क्या इन्फॉर्म करना? कि हम नहीं आएंगे, या फिर जो भी हमारी फीलिंग्स है उसको कन्वे करना. तो अगर क्रक्स समझ में आए तो इन जनरल सेंस ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है?
कोई भी ऐसी चीज जो इंफॉर्मेशन को कन्वे करे, कोई भी ऐसी चीज जो इंफॉर्मेशन को कन्वे करे उसको क्या बोल देंगे? ड्राफ्टिंग। अब लीगल सेंस में ड्राफ्टिंग का मतलब बताओगे मुझे? लीगल सेंस में ड्राफ्टिंग का मतलब, इसी को अगर लीगल सेंस में कन्वर्ट कर दे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग? ठीक है, वो भी एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग है। अगर इसकी डेफिनेशन में बात करें तो ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। क्लियर? तो आर्ट है, साइंस नहीं है। क्या है? आर्ट है। साइंस और आर्ट में डिफरेंस बताओगे कोई? क्या सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब? हाँ जी, रिजर्व होता है, मतलब जो हम फॉर्मूला के अंदर जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट निकल गया जो फिक्स होगा। तो लेकिन आर्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। आपने कितने मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट किया था अभी? अगर लास्ट एग्जाम आपने जो भी दिया था, से फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव में कंपनी लोग एग्जाम, सब ने कितने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया? 70 मार्क्स। सपोज कितने मार्क्स है आपके इसमें से? फिर भी 40 आ गए। चलो आपने किसी ने कंपनी लोग आप तो आपको कितने 80 कितने? तो ये डिफरेंस कैसे, मतलब ऐसा क्यों? स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स, मतलब सपोज करो 100 मार्क्स का आपने किया और 100 मार्क्स का ही आपने किया, स्टिल फिर भी अगर मैं बात करूं दोनों के बीच में डिफरेंस मार्क्सेशन का क्यों है? वजह प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन अपने आप में क्या है? प्रेजेंटेशन क्या है? ड्राफ्टिंग। प्रेजेंटेशन क्या है? ड्राफ्टिंग। तो क्या बोल सकते हैं ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट? सबने कंपनी लोग एक ही जगह से पढ़ा, सबने वही बुक पढ़ी, फिर भी स्टिल एक के मार्क्स 50 आए और एक के मार्क्स 40 आए, ऐसा क्यों? प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ड्राफ्टिंग हमारी क्या है? आर्ट। आर्ट का मतलब क्या? वेरी करेगी सबकी स्किल्स पे। किस चीज पे वेरी करेगी? स्किल्स पे। और ये स्किल्स कैसे जनरेट होती है? कैसे जनरेट होगी ये स्किल्स? प्रैक्टिस से। कैसे जनरेट होगी? प्रैक्टिस से। प्रिपरेशन का मतलब क्या बोल देंगे? स्टेप्स, प्रोसीजर्स। लीगल का मतलब क्या बोलेंगे? विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। इसका मतलब लॉ के दायरे में लगे लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी लॉ की नजरों में वैलिडिटी हो। डॉक्यूमेंट का मतलब, डॉक्यूमेंट का मतलब हाँ जी, कहाँ डिफाइन है डॉक्यूमेंट? टू क्लोज 18 सेक्शन 3 क्लोज 18 किसका? मेरे बोला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, जनरल क्लोजेज एक्ट ईयर 1897। तो सुना तो होगा सबने जनरल क्लोज एक्ट। क्या है जनरल क्लोज एक्ट? जनरल क्लोज एक्ट क्या होता है? डेफिनेशन। अच्छा एक चीज बस, एक क्वेश्चन इसमें बता दो, ये सेंट्रल का होता है स्टेट का होता है या दोनों का होता है? सेंट्रल स्टेट या बोथ? ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पे लगेगा। जो भी सेंट्रल एक्ट्स हैं जैसे टीपीए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर मैं सेंट्रल एक्ट जो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे लगते हैं उन एक्ट्स के लिए क्या बनाया गया? जनरल क्लॉज एक्ट। अगर उन एक्ट्स में रिपीटेशन हो रही है, एक डेफिनेशन बार 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 आ रही है जिसका एक मीनिंग हो, तो उसके लिए क्या बोल दो? रेफर कर दो नेगोशिएबल, सॉरी रेफर कर दो जनरल क्लॉज एक्ट से, रिपीटेशन ना हो। ड्राफ्टिंग का मैंने एक ऑब्जेक्टिव बताया था, ड्राफ्टिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिपीटेशन को अवॉइड करना, ब्रेविटी, मतलब बार 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 रिपीटेशन नहीं करना, अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेशन। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव है। इससे बचने के लिए लॉ मेकर ने क्या किया? जनरल क्लॉजेज एक्ट बना दिया। अब इसके बाद जो एक डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट में रेफर कर देंगी, अब इसके बाद जो भी डेफिनेशन जहां भी जिस एक्ट में भी सेम यूज होंगी तो रेफर कर दो
जनरल क्लोजर सेक्शन, जैसे डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद जहां भी डॉक्यूमेंट होगा तो रेफर कर दो क्या, जनरल क्लोजर एक्ट। अनलेस अगर किसी एक्ट ने स्पेसिफिकली कुछ और बोलना चाह रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज अगर कोई एक्ट डीम्ड है साइलेंट है तो मान लिया जाएगा इंडिया में जो भी लॉ होंगे सेंट्रल लेवल पे सबके लिए इंप्लाइड है, प्रिज्यूम्ड है, क्या प्रिज्यूम्ड है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में जो डेफिनेशन लिखी है वो ले लेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो कहां से जाती है, जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है, तो कहां से लेते हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट। बहुत सारी और भी ऐसी डेफिनेशन होंगी जिनके लिए हम रेफरेंस किस करते हैं, किसका, जनरल क्लॉजेस एक्ट का। अब अगर बात करें फिर स्टेट लॉज का क्या होगा, स्टेट लॉज का क्या होगा, हर स्टेट के अपने जनरल क्लॉजेस एक्ट होते हैं। बॉम्बे वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने अपना पहली बार क्या बनाया था, जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो हर स्टेट का अपना एक जनरल क्लॉजेस एक्ट होगा जो किस पे लेगा, स्टेट लॉज पे, किस पे लेगा, स्टेट लॉज। अब आपका एग्जीक्यूटिव में JIGL जुरिसप्रूडेंस के अंदर ये आ चुका है जनरल क्लॉजेस एक्ट, तो उससे आपको वहां जाकर क्लियर हो जाता है वो चीजें। देन एक बार इसकी डेफिनेशन बताओगे कुछ, डॉक्यूमेंट कुछ एग्जाम्पल से बता दो। आप कहीं पे जा रहे हो, ये डायरेक्शन दिखी है, ये डायरेक्शन कहीं, ये फॉरेस्ट है, आपको डायरेक्शन बता रहे हैं इसके बाद ऐसे चले जाओ, इसके बाद ऐसे चले जाओ, क्या ये आपका डॉक्यूमेंट होगा, डायरेक्शन कुछ लिखा नहीं है इसके ऊपर, जस्ट सिंबल है। अच्छा, ये कैरिकेचर, ये मतलब मैं आपको कैरिकेचर बना देता हूँ, क्या ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये किसका कैरिकेचर है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट मतलब इस फीलिंग को समझो, मतलब मोदी जी का ये कैरिकेचर है, तो अब आप ये बताओ इसको कि क्या ये ड्राफ्टिंग, क्या ये डॉक्यूमेंट होगा, क्या ये डॉक्यूमेंट होगा, किस चीज से पहचानने की डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ट्रू टेस्ट क्या है डॉक्यूमेंट को पहचानने का, कोई भी ऐसी चीज जो क्या करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्लस रिकॉर्ड भी मेंटेन करे प्लस एविडेंस भी हो सकता है, तो कोई भी ऐसी चीज जो रिकॉर्ड मेंटेन करे, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो एविडेंस मेंटेन करे, उसको क्या बोल देंगे, डॉक्यूमेंट। अच्छा, घर में कभी वो देखा यूटेंसिल्स, घर में मम्मियां बर्तनों के पीछे क्या लिखवा के लेके आती है, नाम, या तो घर के सबसे बड़े बच्चे का या छोटे का, बीच वाले का कभी नहीं होगा, तो क्या वो यूटेंसिल्स और जो उसके पीछे नेम एनग्रेव्ड किया गया है क्या वो हमारा डॉक्यूमेंट होगा, क्या डॉक्यूमेंट होगा, क्यों, अगर कोई साइड वाली आंटी का काम है चीनी शुगर या कुछ भी चीजें बार बार आके मांगना, तो बार बार हमारी बाउल लेके जाएगी, तो बाउल में क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब हम वापस जाके मांग सकते हैं, देखो हमारे बच्चे का नाम लिखा है, तो इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है ना, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है ना हमारे फेवर में, तो क्या हमारा डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का मतलब ना कि सिर्फ पेपर पे लिखना, ना कि सिर्फ पेपर पे लिखना, पेपर पे अगर कुछ डिजाइन भी किया है, पेपर पे कुछ इमेज भी बनाई है, ना कि सिर्फ पेपर पे, किसी वुडन पे, किसी मेटल पे, किसी आयरन पे, किसी भी चीज पे अगर हमने कुछ लिख दिया तो हर वो चीज जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो क्या बन जाएगी, डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। तो मैप, इंडिया का मैप क्या डॉक्यूमेंट होगा, मैप, मैप इज अ डॉक्यूमेंट। तो एवरीथिंग इज अ डॉक्यूमेंट, हर वो चीज जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, तो बोल सकते हैं एनी मैटर डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड, बोलो, अपॉन एनी सब्सटेंस, कैसे, बाय वे ऑफ लेटर, मार्क, फिगर, और बाय बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। समझ में आ गया, या तो लेटर हो सकता है, या मार्क हो सकता है, या कोई भी फिगर हो सकती है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी, लेकिन वो क्या है, विच प्रोवाइड और इंटेंड टू प्रोवाइड क्या, इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड। समझ में नहीं है, एक बार बोलोगे, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस,
by way of, by means of letter, mark, figure, symbol or by more than one of those means which provide or intend to provide क्या information या record. Clear हो गया? तो any matter कोई भी चीज लिख सकते हैं और any substance मतलब wooden पे भी, iron plates, metal plates, engraved करना, कुछ भी करना, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारे डॉक्यूमेंट. फर्दर इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन आएगा. अभी हम किस पे स्विच कर रहे हैं? प्लेटिंग. इतना समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट क्या होगा हमारा? प्लीडिंग. एक बार कोई मुझे बताएगा प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस होगा? बेसिक. अभी मैं कुछ आपसे कुछ टेक्निकल नहीं पूछ रहा हूं, जनरल सेंस से बात करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से. ये मान के चलो अगर मैं मार्क्स में बाइफरगेट करूं, अब तक जो प्रेजम्पशन थी ओल्ड सिलेबस में और जो आता था एज सच क्लियर कट कहीं पे भी बाइफरगेशन नहीं है, अब तक क्या आता था? ऑलमोस्ट 2/3 ये और ऑलमोस्ट 1/3 ये. लेकिन अब चेंज हो चुकी है. इस बार से अगर मैं ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस किसी में भी देखूं तो अब ऑलमोस्ट 50% ये और 50% ये. समझ रहे हो? अच्छा, ड्राफ्टिंग में भी अगर मैं बात करूं, इसमें ड्राफ्टिंग भी क्या हो चुकी है? एक तो जनरल लॉज की और एक दूसरा कॉर्पोरेट लॉ प्लस एसएस. ठीक है, तो एसएस अपने आप में 20% वेटेज रखता है, ये रिमेनिंग अपने आप में 30% वेटेज रखता है और प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस अपने आप में कितनी? 50% वेटेज. समझ में आ गया? तो अब जो मैं आपसे बात करूं, अगर मेरी बुक में चैप्टर नंबर 1 to 5 इट्स ऑल अबाउट 30 marks. जो अब तक हमने पढ़े हैं वो क्या है? 30 marks. और जो अब हमें पढ़ना है वो कितना है? 70 marks. कितना? 70 marks. तो अगर मैं बात करूं इसमें 50 मार्क्स वाला पोर्शन अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे पोर्शन एसएस वाला, देन उसके बाद ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन पे स्विच कर देंगे दोबारा. क्लियर? तो अभी अपीयरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट फॉर योर एग्जाम बट फॉर योर रियल लाइफ टू, एक्चुअल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ. अगर आज के टाइम पे बात करें क्यों आपके लिए अपीयरेंसेस या प्लीडिंग जरूरी होगा, क्यों? पहले आप क्या होता था, पहले आपका क्या होता था? वाइंडिंग अप, अगर मर्जर इनकी बात करते एडवोकेट अपीयर होता था. लेकिन अब आप अपीयर हो गए जब से आईबीसी आया है. अगर बात करें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जब से मर्जर एनसीएलटी आया है, जब से क्या हो जाएगा, अब आपको भी अपीयर होना है. कहां अपीयर होना है? एनसीएलटी में. तो आपको क्या लगता है, आपको पिटीशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी? पिटीशन का मतलब एक तरह से मान लो फिलहाल के लिए एप्लीकेशन. आपको एप्लीकेशन, अगर कोर्ट में जाना है तो एफिडेविट भी ड्राफ्ट करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में जाना है एफिडेविट बनाना पड़ेगा, पिटीशन बनानी पड़ेगी, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी. तो सिर्फ आपका एक मेयर बैठ के फॉर्म फाइलिंग से काम नहीं चलेगा. बीइंग अ सीएस, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग सीएस, बीइंग अ सीएस इन एम्प्लॉयमेंट, अब आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक ड्राफ्टिंग को आना चाहिए. मतलब वो अलग बात है, पहले कोर्ट वाली ड्राफ्टिंग होती थी, अब आपको ट्रिब्यूनल्स वाली, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर सीपीसी, उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस इंडिया में कोई भी ऐसे ट्रिब्यूनल या कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है जहां आप बिना एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी के जाके खड़े हो सकते हो. और हमारे सीएस करिकुलम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सीपीसी कुछ 10 to 15 pages का था, 10 to 15 pages. और अपीयर हो सकते थे आप या नहीं हो सकते थे? होते थे अपीयर, पहले भी ट्रिब्यूनल्स में जाते थे तो प्रॉब्लम आती थी. लेकिन अब उन लोगों ने ड्राफ्टिंग के पेपर में अच्छे खासे लेवल का सीपीसी डाल दिया है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के पेपर में अच्छे खासे लेवल पे क्या डाल दिया है? सीआरपीसी डाल दिया है. तो अब आपका ऐसा सिलेबस ड्राफ्ट हुआ है, एग्जीक्यूटिव भी, फाइनल भी, कि आप आराम से जाके नॉलेज, आपको लो की नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल आप ट्रेनिंग में लोगे, प्रैक्टिकल आप ट्रेनिंग में लोगे. और वैसे भी डे बाय डे जैसे ही हमारा सिलेबस रन करेगा, बीच बीच में जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा वो मैं आपको देता रहूंगा, जो भी जैसे कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है, कोर्ट में क्या होगा, वो मैं आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम. बट फिलहाल के लिए अगर मैं लीगल टर्म से बात करूं तो सीपीसी इट्स ऑल अबाउट. अभी जो मैं बात करूंगा कुछ आने वाले 7 या 8 lectures में बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ सीपीसी की, सिर्फ और सिर्फ सीपीसी. ऑलमोस्ट 10 lectures मान लीजिए आप सीपीसी, सिर्फ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड. तो अगर मैं इसमें बात करूं सीपीसी या सीआरपीसी, उन सब पे जाने से पहले बस मैं आपसे इन दो टर्म्स का मतलब थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स. बताओ सानिया कुछ थोड़ा बहुत जनरल. इन जनरल सेंस, और इसमें क्या है लीगल सेंस, बताओगे?
बोल दो। जनरल साइंस में बात करें तो अभी बोला गया था वो, अपीयर होना क्लास टीचर के सामने, किसके सामने? क्लास टीचर के सामने भी जाने से बात नहीं बनी। आप दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई होगी, फाइट होगी, क्लास टीचर ने एक का फेवर कर दिया, दूसरा नाराज हो गया, तो दूसरा कहां जाएगा फिर? प्रिंसिपल मैम। तो अगर क्लास टीचर से काम ना बने तो कहां जाएंगे? प्रिंसिपल मैम के पास। क्लियर? तो अगर मैं अब इसको जनरल साइंस में बात करें तो जस्ट अपीयर होना किसी के सामने, या फिर क्लास टीचर के सामने भी वो आपको बोल दे कि एप्लीकेशन हमें लिख के दो, कि आज के बाद एक बॉन्ड दो कि आज के बाद आप दोबारा गलती नहीं करोगे, तो उन चीजों को लिखने को या उसको बोलने को हम क्या बोल देंगे? प्लीडिंग। क्या बोल देंगे? प्लीडिंग। फिलहाल के लिए जनरल साइंस में समझाने के लिए समझ में आया कि आपने कुछ गलती की, आपके बीच में फाइट हुई, आपको क्लास टीचर के सामने अपीयर होना पड़ा, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप कहां जाओगे? प्रिंसिपल मैम के सामने। क्लियर? अगर इसी को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसी को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं और यहां मैं लेके आऊं कि क्लास टीचर को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे? किससे कर दूं? एपिलेट ट्रिब्यूनल। समझ में आ रहा है? तो क्लास टीचर इज इक्वल टू ट्रिब्यूनल और प्रिंसिपल मैम इज इक्वल टू एपिलेट ट्रिब्यूनल। समझ में? बट अगर मैं लीगल साइंस में बात करूं तो इसका कुछ थोड़ा सा ज्यादा मतलब होगा। इसको हम कुछ रूल से डिनोट करेंगे। सबसे पहला रूल, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, राइट टू, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, कोई मतलब बताएगा इस रूल का? राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने कोई डिस्प्यूट कर दिया, मतलब आपका कोई डिस्प्यूट हुआ है, आपका कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो अब आपको अपीयर होना है किसी के सामने, तो किसका रिप्रेजेंटेशन, किसका राइट होगा वो अपीयर होना? हाँ जी, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? अब इसके लिए आपको कुछ पहले बैकग्राउंड समझना होगा चीज का। इंडिया में जुडिशियल सिस्टम क्या है? मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया में रिजोल्यूशन सिस्टम क्या होगा? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम इंडिया में क्या होता है? एक तो क्या हो सकता है? जुडिशियल, और एक क्वासी जुडिशियल। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आर्बिट्रेशन वगैरह में नहीं जा रहा हूं, बस मैं बेसिकली इसमें रह रहा हूं। जुडिशियल बॉडी और दूसरी क्वासी जुडिशियल बॉडी। फाइन, जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो कोई मुझे बताएगा एक बार क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या? जो कोर्ट जैसी है, मतलब जो विच सीम्स लाइक अ कोर्ट बट एक्चुअली नॉट, एक्चुअली नहीं होती। जुडिशियल सिस्टम बेसिकली अगर बोल दे, जुडिशियरी बॉडी कहां बनेगी? क्वासी जुडिशियल बॉडी कहां बनेगी? किसी स्पेशल एनेक्टमेंट में। कहां बनेगी? स्पेशल एनेक्टमेंट। कोई एग्जांपल बताएगा कहां बनती है स्पेशल एनेक्टमेंट? स्पेशल एनेक्टमेंट में कोई एग्जांपल? एनसीएलटी, एनसीएलटी के ऊपर अगर ट्रिब्यूनल के ऊपर बात करें तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो एनसीएलटी के ऊपर कौन सी है? एनसीएलएटी। अगर डीआरटी बात करें तो इसके ऊपर कौन है? डीआरएटी। सीसीआई, सीसीआई का फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या है? क्या लिख दिया मैंने? कॉम्पैट। बचपन से क्या लिखता है? कैट। कैट नहीं होता, कैट फुल फॉर्म इसकी नहीं है, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म होते हैं कॉम्पैट। कॉम्पैट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल। कैट मत लिखना, कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल नाम है इसका। ठीक है, तो इतना समझ में आया? ये क्या हमारे ट्रिब्यूनल और ये क्या है? क्वासी ट्रिब्यूनल, मतलब सॉरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। क्या है? एपिलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर हो गया इतना? जुडिशियल सिस्टम क्या है इंडिया में?
ये तो सबको पता होगा, घर में भी नाम लिया जाता है कोर्ट्स कोर्ट्स कोर्ट्स, तो सबसे ऊपर कौन आएगा? अगर जुडिशियल सिस्टम बात करें सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम। कहाँ है ये? कितनी जगह होती है? मतलब नहीं, पांच छह तो होनी चाहिए। आईसीएसआई के तो चार से चार जगह वो रीजन है, तो इनके क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट के? एक सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सुप्रीम जहां एक सुप्रीम है। तो इसके बाद कौन होती है? हाई कोर्ट। उसके बाद कौन होंगी? बोल सकते हैं सबोर्डिनेट कोर्ट्स, सबोर्डिनेट कोर्ट्स। और अब ये डिपेंड करेंगी हमारे नेचर पे, सिविल नेचर है, क्रिमिनल नेचर है, या रिवेन्यू कोर्ट्स भी हो सकते हैं। रिवेन्यू कोर्ट्स यहां कौन होंगी? सिविल, एक तरह सिविल नेचर के डिस्प्यूट जो होंगे, यहां बोल देते हैं रिवेन्यू नेचर, अभी कोर्ट नहीं लिख रहे, रिवेन्यू नेचर के जो डिस्प्यूट्स होंगे उनके बेसिस पे। रिवेन्यू का मतलब कोई भी स्टैंप ड्यूटी का मैटर है, कोई भी टैक्स वगैरह का मैटर है, ठीक है, तो उसके लिए। और यहां पे क्या है? क्रिमिनल कोर्ट्स, क्रिमिनल नेचर के कोर्ट्स। किसी को पता है एक बार सिविल नेचर में सबसे ऊपर कौन आएगा, मतलब इनके बाद कौन आएगा हाई कोर्ट के बाद? बताओ बताओ फटाफट। दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है? छे, छे, 30,000 पटियाला हाउस और कड़कड़डूमा, द्वारका, साकेत। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कौन आएगी? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन बैठता है, कौन होल्ड करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज, उसके बाद प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, उसके बाद जूनियर सिविल जज, फिर इसके बाद एंड लोक अदालत, स्मॉल कोर्ट कोर्ट एंड लोक अदालत। हाँ, ये सिविल कोर्ट्स आती हैं, ये सारी सिविल कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक अलग लेवल है और ये नीचे है, ये इसके अंदर सिविल जज बैठता है और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज बैठेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है, क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होता है इनका, क्लियर। इसमें कौन है, किस में पड़ी थी? अभी मैं बताऊंगा, ज्यूरिडिक्शन होती है। हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते हैं, ज्यूरिडिक्शन वाइज, पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, उस वाइज जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी बताऊंगा मैं। सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड रेड विद सेक्शन 15-20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, पूरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया, बताऊंगा मैं अभी। क्रिमिनल नेचर, इसमें सबसे पहले कौन सी कोर्ट आएगी? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इसमें कौन बैठता है, इसमें कौन बैठता है? इस जज का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। क्या नाम लिया है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, क्लियर। इसके बाद कौन सी कोर्ट आती है? असिस्टेंट द एडिशनल, सेशन जज। बेसिकली मैं जज के बारे में बता रहा हूँ, जो जज बैठता है, असिस्टेंट एंड सेशन जज। देन उसके बाद कौन जज? ये हमारे सिलेबस में है, 5 मार्क्स का पूछ सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क चैप्टर, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वो होगा, उसके अंदर पूछते हो। देन उसके बाद किसी को भी नहीं पता, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या
अब तो कंफ्यूजन नहीं है, अब तो पढ़ते रहो उसको। मेट्रो पोलिटन, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास लगा लेने हैं। देन उसके बाद सेकंड क्लास, समझ में आ गया। वैसे मजिस्ट्रेट ना दो होते हैं, चीफ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके बाद फर्स्ट क्लास और लास्ट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और लास्ट सेकंड क्लास। स्मॉल कोज कोर्ट, स्मॉल कोज कोर्ट या लोक अदालत, और इसमें सबसे ऊपर कौन सी आती है कोर्ट? रिवेन्यू कोर्ट। कौन सी आएगी? रिवेन्यू कोर्ट। फिर रिवेन्यू कोर्ट के बाद कौन आएगा? बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। फिर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के बाद कौन आता है? कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर उसके बाद कौन आएगा? सब डिविजनल ऑफिसर। फिर उसके बाद कौन आएगा? तहसीलदार। सुना कभी तहसीलदार? फिर कौन आएगा? असिस्टेंट तहसीलदार। ये बार इसकी ना हमारे मेन हमारे सिलेबस में ये दो हैं, इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो इसके हायरार्की एक बार रिटेन कर लेते हैं। अब मैं आपसे ना कुछ एक बार तो हायरार्की लर्न करवा रहा हूँ, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ इसके, मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये जुडिशरी जुडिक्शन वाइज इसमें क्लियर हो जाएगा। एक बार बताओगे मुझे अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग, उसमें मैंने क्या बताया आपको? सिर्फ लीगल सेंस में पहला रूल क्या बताया? रूल नंबर वन क्या बोला है? राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या बताया गया? जुडिशियल सिस्टम रिजोल्यूशन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट रिलेशन सिस्टम इंडिया में कितने पार्ट में है? टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज जुडिशरी, सेकेंड पार्ट इज क्वासी जुडिशरी। क्वासी जुडिशरी विच सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट बट एक्चुअली नॉट। बट उसमें क्या बताया मैंने आपको? ट्रिब्यूनल्स या अपेलेट ट्रिब्यूनल। क्यों बनती है ट्रिब्यूनल या अपेलेट ट्रिब्यूनल? कोई भी स्पेशल एनेक्टमेंट भी बनेगी, और क्यों बनेगी? वजह क्या होगा उसका? पर्पस स्पीडी ट्रायल, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। अगर मैं बात करूं सैट, सुना है नाम किसी ने? सैट, सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल। वो क्या बोलते हैं उसमें? कितने दिन में उसको अपना केस को रफा दफा करना है? विदिन 180 डेज, विदिन 180 डेज। वो तो अपील फाइल करने का टाइम है जो आप बोल रहे हो, 45 डेज या 60 डेज, वो तो अपील फाइल करने का टाइम है। तो क्या बोलता है? विदिन 180 डेज। लेकिन एंडेवर, ये नहीं कि करना ही करना है, अपने पूरे बेस्ट एंडेवर लगाएगा, पूरे बेस्ट एफर्ट लगाएगा, कितना? 180 डेज में उसको क्लियर करके आपको केस को दे देगा। लेकिन अगर कोर्ट में जाए तो क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ट्रंक लोड ऑफ केसेस इतने हो चुके हैं कि हमारे केस का डिसीजन नहीं आता, इंसान की डेथ हो जाती है, पता लगे उससे पहले तक डिसीजन ही ना आया हो, समझ रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं। और वर्कलोड ऑफ केसेस को कम करने के लिए, इतना ट्रंक लोड ऑफ केसेस हो चुके हैं कोर्ट में, इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उनके उस बर्डन को, कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए क्या बोला गया? स्पेशल एनेक्टमेंट के अंदर स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दो जो डील करेगी उस मैटर को। अब क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है मेरे माइंड में, आप लोगों को पूछना चाहिए कि सर क्या हमारे कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाई गई है, ऐसे फॉर एग्जांपल एनसीएलटी, फिर भी हम क्या कोर्ट में आ सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फिर भी हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं? टैक्स के लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई है, तो क्या फिर भी उन मैटर्स के लिए हम कोर्ट में आ सकते हैं? बाय वे ऑफ अपील जाएंगे ना वो, तो मैं बोल रहा हूं फ्रेश शूट लेके डायरेक्टली अनसिक्योर्ड है तो, अनसिक्योर्ड है तो। मेरा कहने का कंसर्न क्या है?
जिन चीजों के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दी गई है उन उन मैटर्स के लिए सिविल प्रोसीजर कोड की पावर एक्सप्रेसली बार्ड हो जाती है। एक सेक्शन 9 बोलता है एवरी सिविल कोर्ट हैव जुडिक्शन टू एंटरटेन ऑल टाइप्स ऑफ सिविल केसेस इन इंडिया। हर सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड क्या बोलता है, इंडिया में जितने भी सिविल नेचर के डिस्प्यूट होंगे, जितने भी सिविल नेचर के मैटर्स होंगे, हर सिविल कोर्ट के पास पावर है हर सिविल नेचर के मैटर को एंटरटेन करने की, कॉन्ग्रीजेंस करने की, अदर देन जो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली क्या हो, बार्ड हो। क्या बोल दिया, इन जनरल जो भी सिविल डिस्प्यूट हर सिविल कोर्ट के पास पावर है उसको एंटरटेन करने की, अदर देन उनको कॉन्ग्रीजेंस नहीं कर सकता, एंटरटेन नहीं कर सकता किनको, जो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड हो। अब एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब ये जो मैंने आपको बोला है, किसी स्पेशल एनेक्टमेंट के अंदर बोल दिया कि ये मैटर कहीं नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, सिर्फ स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा। समझ में आ गया, स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा, क्लियर। अच्छा, इंप्लाइडली बार्ड का मतलब अगर एक वहां जो पार्टी है वो स्टेट है, स्टेट से रिलेटेड मैटर है, तो हम उस केस में क्या बोल देंगे, सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोड के पास पावर नहीं है, डायरेक्ट बड़े लेवल के कोर्ट में जाना है। स्टेट पॉलिसीज अगर उसमें अफेक्ट हो रही है तो उस केस में क्या है, सीपीसी के पास, सिविल कोर्ट्स के पास पावर नहीं है, डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में जाना होगा। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया कि नहीं है आपको। अगर मैं आपसे जुरिडिक्शन लर्न करने की बात करूं तो सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कौन है, हाई कोर्ट, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट कोर्ट में अगर सिविल नेचर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन बैठता है, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज, देन उसके बाद प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, देन उसके बाद जूनियर सिविल जज कोर्ट, देन उसके बाद स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट या लोक अदालत। क्लियर हो गया, एक बार दोबारा से बोलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, जूनियर सिविल जज कोर्ट, लास्ट स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट या लोक अदालत। क्लियर, देन क्रिमिनल की बात करें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही बोल दो, देन उसके बाद क्या होगा, असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज, देन उसके असिस्ट, हाँ ठीक है, देन उसके बाद चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, देन उसके बाद फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास, एक बार दोबारा से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, देन उसके बाद असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज, देन उसके बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, देन मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अगर इसकी बात करें, वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट रिवेन्यू कोर्ट्स, तो ये कैसे मैटर्स लेंगे, स्टैम्प एक्ट रिवेन्यू से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल रिवेन्यू से रिलेटेड, ऐसे मैटर्स कहां जाएंगे हमारे रिवेन्यू कोर्ट्स में। सबसे पहले कौन है, रिवेन्यू कोर्ट्स, देन उसके बाद क्या है, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, पहले रिवेन्यू कोर्ट, फिर क्या है, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, उसके बाद क्या है, कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देन उसके बाद क्या है, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, उसके बाद तहसीलदार, फिर असिस्टेंट तहसीलदार। एक बार दोबारा से बोलेंगे, रिवेन्यू कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल दो, देन उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर, देन उसके बाद तहसीलदार और असिस्टेंट तहसीलदार, होगी सारे लर्न। तो इसको घर जाके और अच्छे से पढ़ लेना कि इसके अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स अगर एग्जाम में आ गया तो सीधे सीधे मार्क्स हैं। क्लियर, तो अब आ जाओ इसमें, अब बात करते हैं कि ट्रिब्यूनल में जाके कौन रिप्रेजेंट कर सकता है और क्वासी जुडिशियल बोर्ड में जाके कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। ट्रिब्यूनल का सबसे पहला एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, कौन सा, एनसीएलटी, जो हमारे लिए कोर है। कोई सेक्शन बताएगा मुझे रिप्रेजेंट करने का एनसीएलटी में, राइट टू रिप्रेजेंटेशन अगर कंपनी लॉ में बात करें एनसीएलटी में कि तो किसका होगा, सेक्शन 432। तो ट्रिब्यूनल में कौन कौन अपीयर हो सकता है, सीए हो सकता है, सीएस, सीएमए, लीगल प्रैक्टिशनर, ये तो हो ही सकते हैं हर जगह, ऑफिसर। अच्छा एक क्वेश्चन, जिसको पता है वो चुप रहना फिलहाल के लिए, जिसको डाउट है वो बोलना, क्या सीएस इन एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, क्या सीएस इन एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, बताओ बताओ, सोचो। ये सीएस का ऑफिसर होता है कंपनी का, सेक्शन 2 क्लॉज 59, तो सीएस तो ऑफिसर होगा, तो कोई भी ऑफिसर सब्जेक्ट तो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा जिस कंपनी में सीएस हो, सीएस इन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर सीएस इन प्रैक्टिस की बात करें तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी को भी, जो भी उसको बोल देगा तो उसी को जाकर रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन यहां पे सीएस इन
एम्प्लॉयमेंट, समझ में आ रहा है, सी एस इन एम्प्लॉयमेंट, सी एस इन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा फर्दर और अगर मैं बात करूं और कहां बताया गया कि सी एस रिप्रेजेंट कर सकता है, कुछ सुने सेक्शन ड्यूटीज ऑफ सी एस कहां बताई गई है, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, शुक्र है कुछ कुछ तो 166 बोलते हैं, वो डायरेक्टर्स की ड्यूटी है 205, तो इसमें भी तो बताया गया है कि सी एस की ड्यूटी बनती है रिप्रेजेंट करना वेरियस वेरियस अथॉरिटीज के सामने जाके अपनी कंपनी को, तो वहां पे भी तो बताया गया, समझ में नहीं है, क्लियर। अच्छा सी एस इन एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन, पता है प्रैक्टिस का, दिख रहा है कुछ, सी एस इन एम्प्लॉयमेंट, सी एस इन प्रैक्टिस, ठीक है आ रहा है समझ में, तो सी एस। अच्छा सिर्फ एनसीएलटी नहीं, कोई भी ट्रिब्यूनल सी एस सी एस सी एम में या लीगल प्रैक्टिशनर, तो इस इंडिया की कोई ऐसी बॉडी नहीं है जहां नहीं जा सकता, मतलब एडवोकेट्स तो हर जगह जा सकते हैं, दैट वॉज द मेन रीजन कि अगर मैं बात करूँ सी ए सी एस और इसमें अगर कभी प्रैक्टिस की अगर आपको कोर्ट में अपीयर होना तो हमेशा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना, तो ऑफिसर, क्लियर हो गया आपको। अब आई टी आई टी पिलेक्ट ट्रिब्यूनल है, कहीं पर भी जो भी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सी एस हर जगह जाके अपीयर हो सकता है, फाइन, तो खुशी वाली बात है। अब हम एन सी एल टी में भी जा सकते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर भी हम जा सकते हैं, मर्जर एमलगमेशन मैटर्स के अंदर भी जा सकते हैं, डीआरटी में भी हर जगह हम जाके अपीयर कर सकते हैं, तो कोर्ट्स में नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट में चले जाएंगे लेकिन कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्वासी जुडिशियल बॉडी में कहीं भी ट्रिब्यूनल में कहीं पर भी जा सकते हैं, फाइन। अगर यहीं पर मैं कोर्ट की बात करूं तो यहां तो वो चला जाएगा इन पर्सन, इन पर्सन का मतलब हिमसेल्फ, खुद से, मैं आपसे बोलता हूं, आप कोई एलएलबी तो नहीं हो ना, आप में से कोई मतलब एडवोकेट तो नहीं हो अभी कोई, अगर आपसे बोला जाए कि आपका कोई केस हो गया, से किसी ने आपके पैसे नहीं दिए और आपको केस अपना करना है किसी के अगेंस्ट, मैं अभी केस वर्ड इंटेंशनली यूज कर रहा हूं, मैं कोई लीगल टर्म यूज नहीं कर रहा हूं इंटेंशनली, मैं कोई सूट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आपका कोई केस हो गया, आपको वो केस करना है किसी के अगेंस्ट जाके, तो आप क्या करोगे, क्या आप खुद से जा सकते हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है अभी एलएलबी की, क्या आप जा सकते हो कोर्ट में, इन पर्सन अलाउड, वेदर आप एलएलबी हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, वेदर आप एडवोकेट हो या ना हो। अच्छा एलएलबी और एडवोकेट भी अपने आप में एक चीज नहीं होती, जब एलएलबी करने के बाद अपने आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवा लोगे अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, तो जेन उसके बाद आप क्या हो गए, क्या बन जाओगे, एडवोकेट बनोगे, अदरवाइज आप नहीं बन सकते, क्लियर। तो इन पर्सन या फिर थ्रू थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर या एडवोकेट, कुछ भी बोल लो, ये कौन होगा जिसके पास एलएलबी प्लस क्लियर, समझ में आ रहा है। यहां क्या देखा था हमने, यहां तो यहां अगर मैं बात करूं सीए सीएस सीएम में भी आ सकते हैं ना, नो, ऐसी फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले कि अपने आपको तुम वकील मत सोचो, ठीक है क्लियर, तो समझ में आ गया पहला रूल, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, फाइन, आगे बढ़े। अब हमने ये होगा कि कौन अपीयर हो सकता कौन अपीयर नहीं हो सकता और किस किस कोर्ट में, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होना चाहिए, सर हम डायरेक्टली क्या इस कोर्ट में जाके अपने मैटर को लेके जा सकते हैं या इसमें लेके जा सकते हैं, हम इनको ना लेके जाएं, हम डायरेक्टली क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर को लेके जा सकते हैं, होना चाहिए माइंड में क्वेश्चन राइज, होना चाहिए ना, तो इसके सारे क्वेश्चन के आंसर अभी मिलेंगे। अच्छा एक चीज और इसमें बता दो मुझे, अब हमें पता लगा कि कोर्ट में जाना है ट्रिब्यूनल्स में जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इतना हमें बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में समझ में आ गया, अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, कैसे जाना है, मतलब क्या हमारे एटिकेट्स होंगे, किस तरीके से हमें अपीयर होना है, क्या हम जींस पहन के, मैं बीइंग अ प्रैक्टिशनर, क्या जींस
और टी शर्ट डाल के क्या कोर्ट में अपियर कर सकता हूँ? तो क्या पहन के जाना होगा? तो एक रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, रूल्स एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड व्हाइल अपियरिंग बिफोर कोर्ट। हाँ जी, क्या होगा? कोई नॉर्म्स, कोई रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए, करने पड़ेंगे किसी भी कोर्ट के सामने बिफोर कोर्ट अपियर होने से पहले, बताओगे? सबसे पहले चीज तो क्या है? ड्रेस कोड। क्या है? ड्रेस कोड। ड्रेस कोड, फाइन। ड्रेस कोड का मतलब कैसा? अच्छा, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहे हो तो भी आपको ब्लैक कोड पहन के जाना पड़ेगा? तो नहीं। अगर आप बीइंग अ एडवोकेट, बीइंग अ प्रैक्टिशनर अगर आप जा रहे हो, अगर आप ट्रिब्यूनल में जा रहे हो तो भी आपको ब्लैक कोड पहन के जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल्स के, हर ट्रिब्यूनल के अपने ड्रेस कोड होते हैं, हर ट्रिब्यूनल के अपने ड्रेस कोड होते हैं। तभी हमारे सिलेबस में ड्रेस कोड ट्रिब्यूनल्स के नहीं है, बस एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बता रखा है ब्लैक कोड। समझ में आ गया? और आईसीएसए का क्या है? नेवी ब्लू, और अंदर टाई मरून कलर की वो टाई है, फाइन। तो हर ट्रिब्यूनल के अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स है इंडिया में, हर ट्रिब्यूनल के अपने ड्रेस कोड है, किस किस को हम याद रखेंगे। तो अगर मैं कोर्ट में जाके अपीयर होता हूं तो ड्रेस कोड क्या हमारा? ब्लैक कोड। अच्छा, वो भी लेवल वाइज चेंज होता रहता है। वो अगर हमारा लेवल बढ़ता जाएगा तो कहीं लंबाई उसकी कोर्ट की, कहीं पे जाके कब वो हमें ऐसे नहीं मिलता, वो भी लेवल वाइज मिलता जाएगा। जिस कोर्ट में हम जा सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, उस कोर्ट वाइज हमें मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक अलग होगा, उसके बाद हाई कोर्ट्स का एक अलग होता है, छोटी छोटी कोर्ट्स का। हाँ, लेवल वाइज फर्क होगा सब में। तो ड्रेस कोड समझ में आ गया? एक्सपीरियंस के बेस पे हमें मिलता जाएगा फिर वो बड़ा ड्रेस कोड। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और, ड्रेस कोड क्यों रखी गई? ऐसा क्यों है कि सब कोर्ट में एक ड्रेस कोड रखी गई होगी, या हर जगह ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म क्यों रखते हैं? वजह? मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, बोल सकते हैं एक समानता है। हो सकता है एक एडवोकेट है जिसका काम बहुत अच्छा है और एक है जिसका बेचारा भी फ्रेशर है, तो दोनों के अगर वो तो एक पहन के आएगा अरमानी का और पता नहीं क्या क्या कपड़े पहन के आएगा वहाँ, और दूसरे वाला बेचारा पहन के आएगा एक नॉर्मल सा ब्रांड का, तो क्या उनके बीच में उसको अजीब सा लगेगा ना? तो वो कॉम्प्लेक्शन उसको फील ना हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया? यूनिफॉर्मिटी लेके आए। और यूनिफॉर्मिटी का बेस्ट वे क्या है? हमारे यहाँ ड्रेस कोड। समझ में आ गया ना? हो सकता है स्कूल में भी एक बच्चा अच्छा, स्कूल में भी यूनिफॉर्म क्यों लगाई गई थी? एक बच्चा अच्छे रिच फैमिली से हो और एक बच्चा पुअर फैमिली से हो, बेचारे के पेरेंट्स अफोर्ड तो कर रहे हैं फीस, बट एक्सटर्नल एक्सपेंसेस कैसे अफोर्ड करेंगे वो? अभी अदर एक्सपेंसेस, एंसिलरी एक्सपेंसेस इनको कैसे करेंगे? तो इन चीजों से बचने के लिए क्या बोला गया? सबके लिए एक यूनिक यूनिफॉर्म बनाई गई, सबको डाल के आनी है स्कूल में, फाइन। समझ में आ गया? तो ड्रेस कोड। और कुछ? आप जज को क्या करके बोलोगे? सर, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल। अब मेरा फ्रेंड लेटेस्ट रीसेंट जज बना है अब दिल्ली में, रीसेंट नहीं, वो तो पहले तो बना था उसमें ग्वालियर में, एमपी में, अब भी वही बना है रिसेंटली दिल्ली में जज। मैंने बोला था ना उसका बहुत अच्छा, दिल्ली का तो और भी अच्छा हुआ उसका एग्जाम, तो अभी रिसेंटली दिल्ली में जज बना है वो। तो अब उसकी एज है अभी 25 एज है उसकी। अब सामने एडवोकेट खड़े हैं 50 ईयर के, एक एडवोकेट खड़े 50 ईयर के, वो यहाँ पे टेबल पे बैठा है ऐसे जज बन के, चलो वही बैठा हूं। अब एक बात बताओ, क्या एडवोकेट, अब एडवोकेट उनको क्या बोले? उनकी एज से हाफ, सपोज करो 60 ईयर के एडवोकेट है, वो बेचारा 24 का 25 का, अब एडवोकेट उनको क्या क्या बोले? नाम लें, अंकुर पंगाल नाम है उसका, अंकुर पंगाल ऐसा करना है, या क्या बोले? माई लॉर्ड, यू ऑनर, समझ रहे हो? वो बेचारा उससे ढाई गुना एज उसकी, मतलब 2.5 टाइम उसकी एज है, वो उसको क्या नाम लेके बोले वहाँ? उसको भी फील होगा, बेइज्जती फील होगी अपनी, आ रही है मेरे से छोटा बच्चा मेरे सामने बैठा है, अब क्या बोले उसको? कुछ एक कॉल तो करेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, सर, योर ऑनर, माय लॉर्ड, क्या बोले? तो ऐसा ही हुआ कुछ 2012 के आसपास,
एक एडवोकेट था, अब नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मतलब नाम तो आप देख लेना इसमें, मेरे को याद भी नहीं है इसमें एग्जैक्टली कि 30,000 की बात है। उस कोर्ट में क्या होता है कि उस एडवोकेट की एज थोड़ी ज्यादा, सामने जज बैठा था बच्चा, अब वो बोल रहा है कि यार मुझे तो स्लेवरी वाला फील आ रहा है, मुझे तो गुलामों वाला फील आ रहा है कि मैं बच्चे को बोल रहा हूँ यार माय लॉर्ड, माय लॉर्ड की हिंदी क्या होगी, मेरे भगवान, मेरे दाता, मुझे ये चीज दे दो यार, मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है यार भाई, मैं तो अंग्रेज चले गए, मैं तो फिर भी गुलाम हूँ, आज भी मैं तो स्लेवरी वाली फील आ रही है मुझे, तो मैं तो सहन नहीं करूंगा। तो उसने कर दिया सुप्रीम कोर्ट में केस इस चीज का, सुप्रीम कोर्ट में केस। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल तक मामला लटकाया लटकाया लटकाया, फाइनली 2015 में अपनी जजमेंट सुनाई, और उसके अंदर क्या बोला, आपको किसी ने बोला माय लॉर्ड बोलने के लिए, हमने तो कहीं पे भी नहीं लिखा। एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स उठाओ, किसी कोर्ट में कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं लिखा कि आप माय लॉर्ड बोलना पड़ेगा, आपको तो रिस्पेक्ट करनी है, तो बोला ना एड्रेस द जजेस इन रिस्पेक्टफुल मैनर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट चाहिए हमें, हमने बोला है कि रिस्पेक्टफुल मैनर में करो, ओए लगा के मत बोलो, ओए हो सकता है फ्रेंड्स भी हो सकता है तुम्हारा खुद का ही बच्चा हो जो सामने जज बैठा है, खुद के बच्चे, वैसे तो हम नहीं कर सकते कि जज और एडवोकेट कभी भी सेम उसमें नहीं होंगे, मतलब उसमें तो मैटर उसको छोड़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है और वैसे भी, बट हो सकता है सपोज कर लो कि वो कुछ फ्रेंड का वैसे हो नॉन में, अब वो उसको तुम पहले से जानते हो, अब आप उसको वहां खड़े होकर माय लॉर्ड बोलोगे क्या बोलोगे, तो उनको क्या बोला गया, रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट करो, अगर वो वहां बैठे हैं तो वो आपके लिए क्या है, सीनियर है। अब हो सकता है कुछ ऐसे बैठे होंगे जो मेरे से बड़ी एज में हो, यहाँ नहीं है थे, मतलब हैं उस वहाँ है आईकोस में दीपक इतरानी क्लासेस में अभी भी हैं जो मेरे से बड़ी एज है, तो वो मेरे से फिर भी सर बोलेंगे ना या नाम लेके बोलेंगे बोलेंगे। तो मतलब कहने का क्या है, अगर वो आपसे सामने बैठे तो उनकी रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट करो, कहीं नहीं लिखा है कि आप योनर बोलो माय लॉर्ड बोलो, क्या बोल दो, सर बोल दो। अच्छा जोली एल एल बी टू क्या वर्ड बोलते हो, जनाब हुजूर, तो कुछ भी बोल दो मतलब, लेकिन रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट करो, फाइन समझ में आ गया। तो दोनों आपको रूल समझ में आए, फर्स्ट रूल क्या था अपीयरेंसेस का, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा कहां करना है रिप्रेजेंटेशन, या तो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल में कोई भी सीए सीएस सीएम में एडवोकेट या फिर ऑफिसर, और अगर बात करें जुडिशियल बॉडी या तो इन पर्सन या थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। कोर्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपके माइंड में, देन उसके बाद रूल नंबर टू, रूल्स एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड वाइल अपीयरिंग बिफोर कोर्ट्स, ड्रेस कोड, एड्रेस और भी बहुत सारे हैं, बट वो आने वाले टाइम पे हम करते रहेंगे, ये आपका पूरा इस सब्जेक्ट का बेसिक हो गया। अब एक छोटा सा केस स्टडी मैं बताऊंगा, वो लास्ट है आज की, उस केस स्टडी के थ्रू मैं पूरी ड्राफ्टिंग, उस केस स्टडी को पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी आज मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आज मैं सिर्फ ब्लीडिंग वाला पोर्शन बताऊंगा। एक्चुअली में पूरा अगर केस की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है केस, एक तो ट्रायल स्टेज, पोस्ट ट्रायल, प्री ट्रायल, ट्रायल स्टेज और पोस्ट ट्रायल स्टेज। आज मैं आपको सिर्फ जो बताऊंगा बताऊंगा प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल नहीं बताऊंगा। करो स्टार्ट मिस्टर पप्पू, ठीक है, एक था मिस्टर मिस्टर पप्पू, ठीक है, ये मिस्टर पप्पू है। अब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा हमारा ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग इसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। इसने लोन दिया किसको, दूसरी पार्टी कौन ले, मिस्टर कमली, नाम से कंगला लग रहा है, ये दोनों बाप बेटे, मतलब कहने का ये इसका पेट है कंगला, ये समझ में आ गया, एक है पप्पू और एक है कमली। कमली को पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, कमली मतलब कंगला, तो उसको पैसों की रिक्वायरमेंट हुई और ये इसने अप्रोच की किसको, पप्पू को, सर मुझे कितने रुपए दे दो। अभी ना मैं ट्रिब्यूनल्स वाले मैटर में इसको नहीं इंसर्ट कर रहा हूँ, ना डीआरटी वाला, मैं बिल्कुल सिंपल स्मूथ लेके चल रहा हूँ, टेक्निकल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सीआर वगैरह पढ़ा होता तो मैं इसमें टेक्निकलिटीज ले आता, बट बीइंग अ फर्स्ट मॉड्यूल, अगर आप सेकंड मॉड्यूल में सीआर के साथ होता तो मैं जरूर इसके अंदर लेके आता, अभी मैं स्मूथ लेके चल रहा हूँ। अगर आपने लोन लिया कितने करोड़ का, 10 करोड़, कंपनी ने लोन लिया कितने का, 10 करोड़ का। अब ये बोलेगा भाई मैं बेवकूफ थोड़ी ना, उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बोलेगा। तो कमली ने क्या किया, सिक्योर किया रुपीज 12 करोड़, समझ में आ गया, कितने करोड़, 12 करोड़ की उसने क्या रखी, सिक्योरिटी, समझ में आया। तो स्टेप नंबर 1 लगा ले इसमें,
स्टेप नंबर टू लगा दें। अच्छा कितने दिन का लोन दिया थे? 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, फाइन। अब 3 साल हो गए, कंपनी ने कर इसने बोला इसको सर मेरे पैसे, कैसे पैसे? डिफॉल्ट। अब इसमें मैं कुछ ड्राफ्टिंग कंसल्ट करना चाह रहा हूं। जब लोन लिया था तो उस टाइम पे आप एक थे सीएस, ये कंपनी के फ्रेंड थे आप सीएस, कोई क्या नाम ले, कौन अच्छा सीएस, कौन अपने नाम के सामने सीएस लगवाना चाह रहा है? चलो पहले अंजलि ने हैंड रेस किया था, ठीक है, ये थी एक सीएस, अंजलि सीएस, फाइन। अब इनको बोला कंपनी ने और पप्पू ने, चलो आप हमारे दोनों के सीएस हो, आप एक काम करो, आप हमारे लिए लोन एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दो। अगर आपके सिलेबस में नहीं होता तो क्या आप ड्राफ्ट कर पाते? नहीं कर पाते। तभी तो इसकी ड्राफ्टिंग की वो बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। आपके सिलेबस में लोन एग्रीमेंट, आपने इसको लोन एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर दो। फिर बोल दिया सर एक सिक्योरिटी भी तो रखी है, इसको भी ड्राफ्ट कर दो। बोल सकते मॉर्गेज, हाँ जी मॉर्गेज डीड बना दी। कौन सी डीड बनवाओगे? मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज बनाए, सिंपल मॉर्गेज बनाए, क्या बनाए, कोई भी बना लो, डिपेंड करेगा इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे। समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या कर दी, मॉर्गेज डीड भी बना दी। क्लियर? ड्राफ्टिंग आ गया पिक्चर में? मैंने बताया था ना ड्राफ्टिंग भी ले आऊंगा, तो आपने इसकी ड्राफ्टिंग बना दी। अब 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, कंपनी ने कर दिया डिफॉल्ट। कंपनी कह रहा कैसे पैसे, कैसे पैसे भाई? तो मैं बोल रहा हूं, मतलब ये पप्पू बोल रहा है कि पैसे क्यों भाई, मेरे 3 साल पूरे हो गए, जब 10 करोड़ का लोन है। कंपनी बोल रहा है कि अपना लोन एग्रीमेंट उठा के देखना, लोन एग्रीमेंट उठा के देखो। अब पप्पू लोन एग्रीमेंट उठा के देखता है और लोन एग्रीमेंट के अंदर कहीं भी नहीं लिखा था 3 साल के बाद पैसे मांग सकते हैं, मतलब टेन्योर लिखना भूल गई अंजलि, क्योंकि सीएस है, अभी प्रैक्टिस की नहीं थी, नई नई पास आउट हुई है, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस की नहीं थी, तो गलतियां तो एज यूजुअल होंगी होंगी। तो तभी मैं बोलता हूँ घर जाके प्रैक्टिस कर लिया करो, बोलता हूँ घर जाके प्रैक्टिस कर लिया करो, प्रैक्टिस हुई नहीं। अब वो क्लोज डालना भूल गई, वो 3 साल की जगह अपना पता नहीं क्या दिमाग में आया और अपना भूल गई। तो अब क्या हो, अब ये बेचारा पप्पू आंसू टपका रहा, रो रहा है, बिल्कुल रो रहा है बेचारा, बैठ के सर पकड़ पकड़ के रो रहा है। गलती से इस पप्पू का फ्रेंड निकल गया। मैं अब उसको लगा यार आप भी सी एस हो, छोड़ो ना यार, ना आपसे भी निकाम करवाना, पहले भी सी एस ने गलती कर दी हमारी, नो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं सी एस नहीं हूँ, मैं LLB भी हूँ और मैं LLM भी हूँ, आप करवा लो मेरे से। कह रहा ठीक है आपसे करवाते हैं, ठीक है अब मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया आपसे करवाते हैं। तो वो मेरे को बोलता सर ऐसे ऐसे बात हुई है और ये मेरा पैसे देने से मना कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपनी मेरे पैसे देने से मना कर रहा है। मैं बोला तो क्या है इसमें, तो बड़ा इजी है, आप अब तो बड़े अच्छे अच्छे लोज आ चुके हैं, तो हम इसको ले चलेंगे DRT में, ले चलेंगे DRT में, ले चलेंगे। लेकिन अभी मैं DRT वगैरह में आप लोगों को बीच में मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर इंडिविजुअल, पहले तो हम इसमें जाते हैं CPC वगैरह में, आज के दिन क्या हो चुका है, अगर किसी ने हमारे पैसे नहीं दिए, अगर वो कंपनी फॉर्म में है या वो है क्या कहते हैं कंपनी फॉर्म में है या पार्टनरशिप फॉर्म LLP है, तो कहाँ जाएंगे हम, पता है किसी को कहाँ जाएंगे? कहाँ? IBC में, और अदरवाइज कहाँ चले जाएंगे हम? DIT वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ अब मैंने क्या बोल दिया इसको, अभी हम सिंपल लेके चल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा इजी यार, हम चलते हैं कोर्ट में। कहाँ चलते हैं? कोर्ट में, और आपके पैसे रिकवर करवा देंगे, क्या बड़ी बात है इस चीज़ में, कोर्ट में चलते हैं। क्या मैं डायरेक्ट कोर्ट में उसको ले जाऊँ? फिर अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 था नहीं, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या भेजेंगे? डिमांड नोटिस, डिमांड लेटर, और इसमें स्पेसिफाई भी करेंगे हम आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे अगर आपने हमारा पैसा नहीं दिया तो। समझ में आ रहा है ना, ये चीज भेजनी जरूरी है, पहले डिमांड लेटर, डिमांड नोटिस। बोल सकते हैं शो कॉज, कारण बताओ हम आपके अगेंस्ट क्या ना करें, कारण बताओ।
तो सब एक तरह से शो कॉज नोटिस उसको हम भेज रहे हैं, सर डिमांड लेटर हम आपको भेज रहे हैं, आप अपने पैसे पूरे हमें दे दो, और टाइम भी दे देंगे सर 30 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, 30 डेज के अंदर अंदर रीजनेबल टाइम दे रहे हैं हम आपको, आप अरेंज कर दो और मेरे पेमेंट मेरे क्लाइंट की 10 करोड़ रुपए की पेमेंट आप कर दो। फाइन, समझ में आ रहा है? अब इस नोटिस के लिए भी ये क्या है, स्टेप नंबर 5 साइलेंट, स्टेप नंबर 5 साइलेंट। पप्पू ये क्या, कमली कह रहा साइलेंट कर लो जो करना है, मैं तो नहीं दे रहा भाई, मैं तो नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है ना, पूरी पिक्चर समझ में आ गई? ड्राफ्टिंग करी, ड्राफ्टिंग पिक्चर में आई, ड्राफ्टिंग के अंदर कमी थी, डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम यहां आ गए। अगर ड्राफ्टिंग के अंदर कमी ना होती तो आपको क्या लगता पप्पू किस क्लोज में जाता? बोल सकते थे ना एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर और वैसे चार्ज कर लेता हूं, एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर उसकी डीड के अंदर क्लोजेज लिखा होता राइट टू सेल तो राइट टू सेल कर देता, अगर डीड के अंदर लिखा होता राइट टू फोरक्लोजर तो क्या कर देता, फोरक्लोजर कर देता। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? लेकिन अभी उसकी डीड के अंदर प्रॉब्लम थी, इंटरप्रिटेशन के अंदर प्रॉब्लम थी, अब डिस्प्यूट राइज हुआ, डिस्प्यूट राइज हुआ तो कहां जाएंगे, कोर्ट में। समझ में आ गया? अब हमारे कोर्ट में, अब स्टेप नंबर 6 मैं पप्पू को लेकर कहां आ रहा हूं, कोर्ट में, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 समझ में आ रहा है? मैं कैसे लेके आऊंगा पप्पू कोर्ट में, अपील फाइल करूंगा कोर्ट में, मैं क्या करूंगा मैं कोर्ट में, सोच के एप्लीकेशन लगाऊंगा, सूट करूंगा, अपील करूंगा, पेटीशन करूंगा, क्या करूंगा, बताओ बताओ सारे सोचो, सूट बताओ, हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में केस फाइल कर देंगे, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं केस कर देंगे, बट उसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो क्या बोलते हैं, प्लेंट, और कुछ इंडिया में फ्यू एडवोकेट्स इसको बोलते हैं सूट, लेकिन मैं बोलता हूं या कुछ लोग बोलते हैं प्लेंट और सूट होते एक ही चीज है, लेकिन प्लेंट इज अ फर्स्ट स्टेज, और जब कुछ प्लेंट कुछ चीजों को वेरीफाई कर देगी उसके बाद क्या बन जाएगी, सूट। समझ में आ गया, नहीं है? तो हम क्या करेंगे, प्लेंट को फाइल करेंगे। अच्छा एक चीज और, सूट फाइल होता है, सूट क्या होता है, वर्ड का यूज होता है सूट के साथ, सूट के साथ वर्ड का यूज होता है, सूट क्या होता है, इंस्टीट्यूट। एप्लीकेशन अपील क्या होती है, अपील क्या होती है, प्रेफर्ड। बोलो सारे, मतलब ऐसे क्यों बैठे हो, ये तो बिल्कुल ही आज तक न्यू आ गए, दिन के अंदर तो पहले पहले दिन ही जोश ही नहीं। अपील क्या होती है, प्रेफर्ड, और एप्लीकेशन क्या होती है, पेटिशन क्या होती है, फाइल, फाइल। तो तीन चीजें क्या क्या बोल दी मैंने आपको, सूट क्या होगा, सूट क्या होता है, अपील क्या होती है, प्रेफर्ड, और लास्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या होगी, या पेटिशन क्या होगी, फाइल। क्लियर? कोई मुझे पार्टी का नाम बताएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, प्लेंटिफ, और इसका नाम क्या होगा, डिफेंडर। क्लियर हो गया? अब प्लेंटिफ का मैंने क्या फाइल कर दिया, प्लेंट। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? प्लेंटिफ का मैंने क्या फाइल कर दिया, प्लेंट। कहां फाइल कर दिया, कोर्ट में, या सूट बोलेंगे तो इंस्टीट्यूट कर दिया। समझ में आ गया, हमने क्या कर दिया, कोर्ट में। कैसे जाता है, इन डुप्लीकेट, कैसे जाएगा, डुप्लीकेट मतलब डबल कॉपी जाएंगी इसकी। समझ में आ गया, ये चीज कौन बोलता है, ऑर्डर फॉर रूल 3, ऑर्डर फॉर रूल 3। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बताता हूं, कितने सिविल केसेस है तो कौन सा लॉ इसको गवर्न करेगा, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ईयर, कितने सेक्शन है इसके अंदर, अच्छा कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट सब्सटेंटिव और सेकंड पार्ट, सब्सटेंटिव पार्ट क्या है, सेक्शन 158 है, प्रोसीजरल में कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं, 51।
हर ऑर्डर के अपने सेपरेट रूल है। समझ में आ गया? सेपरेट रूल्स फॉर ईच ऑर्डर, क्लियर? अगर मैं बात करूं प्लीडिंग, क्या बात करी मैंने? प्लीडिंग ऑर्डर 6, क्या बोलते हैं? प्लीडिंग। और डेफिनेशन क्या है प्लीडिंग की? प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट के लिए ऑर्डर 7, रिटन स्टेटमेंट के लिए ऑर्डर 8। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक बार प्लीडिंग की डेफिनेशन बोलोगे? प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अच्छा, अब हमें बस आज ये चीज समझना है, प्लीडिंग का मतलब बस होने वाला है 5-7 मिनट में, होने वाला है प्लीडिंग का मतलब क्या है। तो प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। आपको प्लेंट का मतलब समझ में आ गया? प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ। तो कौन फाइल करेगा इसको? रिटर्न स्टेटमेंट को इन जनरल फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करेगा? डिफेंडेंट। अभी मैं टेक्निकलिटीज में नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट एक, अगर सेकंड सब्सिक्वेंट रिटर्न स्टेटमेंट बात करें, रिजॉइंडर या एप्लीकेशन, उसको प्लेंटिफ भी फाइल कर सकता है। बट फिलहाल के लिए मैं एक नॉर्मल लेवल पे रह रहा हूं, फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट कौन करेगा? डिफेंडेंट। क्लियर? एक बार ऑर्डर बोलोगे? ऑर्डर नंबर 6 प्लेडिंग, ऑर्डर नंबर 7 प्लेंट, ऑर्डर नंबर 8 रिटर्न स्टेटमेंट। समझ में आ गया था ना? एक प्लीडिंग के बारे में बस एक लाइन लिख लो आप, प्लीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लीडिंग, बस ये लाइन समझ जाना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ट्रायल और प्लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। वरना बच्चे पूरी जिंदगी बीत जाती है, सीए स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता लगा होता है ट्रायल और प्लीडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। प्लीडिंग का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टू, एक मिनट, टू फाइंड आउट एंड नैरो डाउन, टू फाइंड आउट एंड नैरो डाउन द कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। क्या आपको लगता है कोर्ट में केस की और डायरेक्ट हमारी सुनवाई होनी शुरू होगी, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए? नहीं, उससे पहले क्या होता है? प्लीडिंग। तो 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी सिविल सूट की। कितनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज। कौन सी? फर्स्ट स्टेज। फिर क्या होगी? सेकंड स्टेज। फिर क्या होगी? थर्ड स्टेज। जो हमारे सिलेबस में है मेनली, वो बस है फर्स्ट स्टेज। बस थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स है सेकंड और थर्ड स्टेज का। तो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? प्लीडिंग। इसको हम बोल सकते हैं प्री ट्रायल स्टेज। ये क्या होगी? ट्रायल स्टेज, जहां हमारी सुनवाई होगी, कोर्ट अपना विजडम यूज करेगा, गवाह आएंगे, विटनेस आएंगे, एविडेंस रखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, दोनों पार्टीज की बातें सुनी जाएंगी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे, वो क्या होगी? हमारी ट्रायल स्टेज। यहां क्या होगा? बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री आएगी, इसका एग्जीक्यूशन होगा। समझ रहे हो? आया था ना समझ में? हमारे सिलेबस में मेनली क्या है? प्लीडिंग, जो मेनली है हमारे सिलेबस में। इसके बाद भी पोस्ट ट्रायल के बाद इसके ऊपर अपील भी जा सकती है, रिव्यू, रेफरेंस, रिवीजन, वो सारा भी है हमारे सिलेबस में। बट ये बीच का ट्रायल स्टेज हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, ना इतना हमारे बारे में डेप्थ में बताया गया कि विटनेस का कैसे क्या है, ना एविडेंस के बारे में इतना खास बताया गया है, इतना नहीं है। मतलब है लेकिन उतने लेवल पे नहीं है। क्लियर? तो क्या क्या चीज हमारे सिलेबस में? प्लीडिंग और उसके बाद पोस्ट ट्रायल, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, वो सारी चीजें। क्लियर हो गया?
तो ये वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, तो हम बात करेंगे इस वाले की और इस वाले की। इस वाले के बारे में मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव बता दिया, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? प्लीडिंग का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, क्या है प्लीडिंग का ऑब्जेक्टिव? एक बार बोलो, सारे बोलो मुझसे, टू फाइंड आउट, एक बार ब्रेक करके टू फाइंड आउट, फाइंड आउट करना और फिर नैरो डाउन करना, किस चीज को? कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन द पार्टीज, जो एक्चुअली में मुद्दा है, जो लड़ाइयां हैं दोनों पार्टीज के बीच में, पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, उन दोनों को पहले पता लगाना, फिर उनको कम करने की कोशिश करना कि ताकि जो हमारा केस होगा कोर्ट का टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, पार्टीज का भी ज्यादा कॉस्ट ना लगे, कोर्ट का टाइम क्या है हमारा प्रीशियस है, तो वो ज्यादा वेस्ट ना हो। टू फाइंड आउट एंड नैरो डाउन द कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। तो हमने प्लेंट में कितनी एलिगेशन लगाई इसके ऊपर? सर 10 करोड़ रुपए उन्होंने हमसे एक बार में नहीं लिए थे, उन्होंने कैसे लिए? मेरी प्रीमाइसेस में आके यूज भी कर रहा था। 8 करोड़ उन्होंने कैश लिया, 1 करोड़ रुपए का उन्होंने मेरा रेंट देना है, उसमें से 50 लाख रुपए सर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सर इतना उनका ये है, समझ आ गया? तो कितनी एलिगेशन लगाई हमने प्लेंट में इसके ऊपर? 10 एलिगेशन। कितनी एलिगेशन मान लीजिए? 10 एलिगेशन का मतलब पता है? आरोप। 10 आरोप लगाए मैंने, कहां लगाए? प्लेंट के अंदर। प्लेंट के अंदर मैं डालता क्या हूं? कंटेंट ऑफ प्लेंट क्या हो सकता है? कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, और क्या हो सकता है? फैक्ट्स। क्या मैं लॉ डालूंगा इसके अंदर? अच्छा अगर मैं बात करूं, फैक्ट्स डालूंगा या लॉ डालूंगा? प्लेंट के अंदर मैं फैक्ट डालूंगा या लॉ? मैं कोर्ट को बताऊंगा सर इस सेक्शन के अंदर जाके मुझे मेरे को इसमें वो दे दो? नहीं, मैं क्या डालूंगा? फैक्ट्स, नॉट लॉ। रूल नंबर 1 प्लीडिंग, अगर मैं बात करूं प्लीडिंग की, प्लेंट फाइल करने की, ऑर्डर 7 रूल 1, तो क्या बोलता है? ओनली फैक्ट, नॉट लॉ। अच्छा लॉ डालूंगा, फैक्ट डालूंगा या एविडेंस डालूंगा? समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? एविडेंस डालूंगा, सर ये उसने मेरे पैसे दिए थे और मैं आपको इस चीज का एविडेंस भी दे रहा हूं, मैं अपने विटनेस भी, गवाह भी दे रहा हूं, ये चीज डालूंगा प्लेंट के अंदर? लॉ डालूंगा, फैक्ट डालूंगा, एविडेंस डालूंगा, तीनों डालूंगा, क्या करूंगा बताओ? ओनली एंड ओनली फैक्ट्स, नॉट लॉ, नॉट एविडेंस। क्यों? क्योंकि एविडेंस हम देते हैं ट्रायल के टाइम पे। कहां देंगे? जब हमारा केस एक्सेप्ट हो जाएगा, जब हमारा प्लेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, तो जब हमारा ट्रायल होगा, आर्ग्यूमेंट होंगे, उस टाइम पे कोर्ट बोलेगा सर आप अपने विटनेस या अपने एविडेंस को ले आओ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ले आओ। समझ में आ गया इतनी चीज? तो पहले क्या है, सिर्फ हम फैक्ट्स डालेंगे, लॉ नहीं डालेंगे, एविडेंस नहीं डालेंगे, फैक्ट्स। और फैक्ट्स भी कौन से? 2 तरीके के फैक्ट्स होते हैं, मटीरियल फैक्ट्स या इमटीरियल फैक्ट्स। ओनली एंड ओनली मटीरियल फैक्ट्स, ओनली मटीरियल फैक्ट्स। समझ में आ गया? तो 2 तरीके के फैक्ट्स होते हैं, बस एक वो चीज और नोट कर लो, 2 तरीके के फैक्ट्स। फैक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मटेरियल फैक्ट्स, इमटेरियल फैक्ट्स। अब मटेरियल फैक्ट्स जो होंगे वो भी 2 तरीके होंगे, फैक्ट्स इन इश्यू, फैक्ट्स इन एविडेंस। समझ में आ रहा है? फैक्ट्स इन इशू, किसी को सुना है किसी ने फैक्ट्स इन इशू? क्या सेक्शन 3 के अंदर बेसिकली फैक्ट्स इन इशू का मतलब क्या है? जो एक्चुअली में उस टाइम पे घटा है हम उसके बारे में बता दें, प्रूफ नहीं कर रहे हैं सर इसको मेरे ये पैसे देने थे ड्यू टू रेंट, सर मेरे को इसके ये पैसे देने थे ड्यू टू इस चीज के, जो एक्चुअली में एविडेंस देना है या उसको प्रूफ करना है कहां? ट्रायल के टाइम पे। तो यहां क्या डालेंगे हम प्लीडिंग में? अच्छा फैक्ट्स इन इशू हम कहां डालते हैं? कहां डालते हैं? एट द टाइम ऑफ प्लीडिंग। ये कहां डालेंगे? एट द टाइम ऑफ ट्रायल। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एट द टाइम ऑफ प्लीडिंग। अच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक टेक्निकल नाम होता है इसका, फैक्टा प्रोबेंडा। इसका नाम होता है फैक्टा प्रोबेंशिया। अच्छा फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करते हैं कौन? फैक्ट्स इन एविडेंस। To be proved by facts in evidence. Facts in issue to be proved by facts in evidence. समझ में आ गया? जो मैंने बोला सर मेरे आपको 1 करोड़ 8 करोड़ रुपए ऐसे देने हैं, 2 करोड़ रुपए बिजली के बिल के देने हैं, ऐसे देने हैं, ऐसे देने हैं, उसको प्रूफ कहां किया जाएगा? फैक्ट्स इन एविडेंस के थ्रू। समझ में आ गया? नहीं आया इतना क्लियर? नोट कर लिया? तो ये चीजें मेरी आएंगी किसमें? प्लेंट के अंदर। मैं आरोप लगाऊंगा सर मेरी ये चीजें हैं, ये मैं फैक्ट्स डाल रहा हूं उसके अंदर और मुझे इतना रिलीफ चाहिए, प्लस एक लास्ट चीज और इसमें क्या डाल लो? रिलीफ। मुझे इसमें क्या चाहिए? अपना सर इतना रिलीफ चाहिए।
क्लियर। अब कोर्ट के पास ये पहुंच गया, कोर्ट के पास ये पहुंच गया, अब कोर्ट क्या करेगा? अच्छा, फाइल करते टाइम पे ना हमारे एडवोकेट को, मतलब मुझे इस वाले केस में पप्पू के एडवोकेट को ये देखना होगा क्या हमारा केस किस कोर्ट में जाएगा। मैंने आपको हायरार्की बताई थी किस कोर्ट में जाएगा। पहले बात तो सिविल केस है तो इनके बारे में तो भूल जाओ फिलहाल के लिए, सिविल केस है तो किस कोर्ट में जाएगा? मैं डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाऊं, कहां ले जाऊं इस केस को? लोक अदालत में लेके जाऊं, कहां लेके जाऊं मैं इस केस को? अच्छा, ये ना ज्यूरिडिक्शन अब डिपेंड करेगी, ज्यूरिडिक्शन क्या डिपेंड करेगी? ज्यूरिडिक्शन। इसके बाद हमारे जो एडवोकेट है उसको क्या चीज ध्यान करनी होगी? ज्यूरिडिक्शन। तो क्या बोल सकता है? कोर्ट में जाने से पहले कुछ चीजों को हमें कुछ स्टेजेस से गुजरना होगा, प्लेंट को कुछ 4-5 स्टेजेस से गुजरना होगा तभी वो सूट बनेगा, तभी वो सूट बनेगा। पहली स्टेज क्या? ज्यूरिडिक्शन। सुना कभी नहीं सुना ज्यूरिडिक्शन के बारे में? क्या होते हैं ज्यूरिडिक्शन का मतलब? अथॉरिटी, पावर। तो किस कोर्ट की पावर है इस केस को लेने की? तो ज्यूरिडिक्शन कहां लिखी गई है? सेक्शन 9। कहां बताया गया है? सेक्शन 9। और उसने क्या बोला है? इंडिया में जितने भी सिविल नेचर के केसेस होंगे हर सिविल कोर्ट के पास पावर है उस केस को कॉग्निजेंस करने की, एंटरटेन करने की, एक्सेप्ट जो एक्सप्रेसली एम्प्लॉयडली पार्ट लो। समझ में आ गया? अब ज्यूरिडिक्शन वैसे कहां बताई गई है हमारी? ज्यूरिडिक्शन कितने तरीके की ज्यूरिडिक्शन होगी? आज तक आपने कितने तरीके की ज्यूरिडिक्शन सुना है? आज तक आपने पढ़ा होगा दो तरीके की, पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और लास्ट क्या है? सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। समझ में आ रहा है? कोई मुझे बताएगा एक बार पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होगा? मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी में डिफाइन करेंगे। इसको कौन डील करता है? सेक्शन 15। इसे कौन डील करेगा? सेक्शन 16 टू सेक्शन 20। इसके लिए ऐसा कोई सेक्शन नहीं है लास्ट वाले के लिए। समझ में आ गया? तो सेक्शन 15 क्या बोलता है? मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन। तो इसने क्या बोला गया? लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट लेंगे हम। लोवेस्ट ग्रेड का मतलब ये नहीं जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, लोवेस्ट ग्रेड का मतलब मिनिमम ज्यूरिडिक्शन। अगर मैं फॉल कर रहा हूं सिविल जज जूनियर डिवीजन, और उसमें क्या बोला गया? हर स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी पावर। मतलब ये नहीं कि एक ही है और हर स्टेट में वही रहेगी, नहीं, हर स्टेट वाइज वो अपनी अपनी कोर्ट की पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन को डिफरेंट डिफरेंट करता है। जैसे दिल्ली में एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 रुपए से लेके 20 लाख तक के जितने भी केसेस हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कहीं पे भी लेके जा सकते हो, अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं पे भी लेके जा सकते हो, एक एग्जांपल। तो कहने का मतलब क्या होगा? हर स्टेट वाइज, जैसे स्मॉल कोर्ट किसी स्टेट में, जैसे यूपी में 5,000 रुपए बता रखा है, 5,000 रुपए तक के डिस्प्यूट कहां आएंगे? स्मॉल कोर्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, अगर क्या बताया गया है आपके पास जूनियर डिवीजन में सिविल जज क्या बताया गया है? आपके पास 1 लाख रुपए तक के केस वहां आने हैं। तो अगर मेरा केस कितने का है? 1 लाख रुपए का, तो मैं वहां आऊंगा। अगर उससे ऊपर अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल इस वाले की पावर में क्या बताया गया है कि आपके पास अप टू 10 लाख तक के केसेस आएंगे यहां, अप टू 1 करोड़ तक के आएंगे यहां, और अप टू 20 करोड़ तक के आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो आप अकॉर्डिंग टू अपने केस वाइज देखोगे। अच्छा, एक चीज और, क्या हमें सिर्फ पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन देखनी है, साथ में दूसरी भी देखनी है? सारी। तो पहले तो मैं देखूंगा क्या मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मेरा कोज ऑफ एक्शन है, जो मेरा रिलीफ है, क्या वो मेरा किस कोर्ट के अंदर स्लैब रेट में आ रहा है। मिनिमम स्लैब रेट वाली कोर्ट को हम ले लेंगे, मतलब उसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर आना चाहिए। क्लियर? इसको कौन बोलता है? सेक्शन 15। अब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन मतलब ज्योग्राफिकल लिमिट। क्या? ज्योग्राफिकल लिमिट। इसमें हम कैसे करते हैं? इसमें करते हैं इमोवेबल प्रॉपर्टी, जो मेरे मैटर उनके से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल, प्लस मूवेबल भी हो सकता है, प्लस दूसरे कौन से बोल सकते हैं? एक तो मूवेबल होते हैं और एक रॉन्ग डन, कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग डन। तो इमूवेबल के लिए सेक्शन जो इसमें से यूज हो जाएंगे 3, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18।
और इसमें लग जाएंगे दोनों सेक्शन, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20। कोई मुझे बताएगा इमोवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारी ज्यूरिडिक्शन कौन सी होगी? मैं आपको एक छोटा सा इसमें ये बनाता हूं, ये मेरी स्टेट है, इसकी दो डिस्ट्रिक्ट है, मैं बस दो ही डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट है। सपोज कर लो एक हमारा पटेल नगर है, एक इसके साइड में है करोल बाग, ये हमारा पटेल नगर और ये करोल बाग, ये दो डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए आप दिल्ली में हमारी। अब अगर मेरा जो इंस्टीट्यूट है सपोज कर लो दीपक गजरानी क्लासेस, वो कहां पे हमारा ईस्ट पटेल नगर में सिचुएटेड है, वैसे ईस्ट पटेल नगर में है, तो उसकी अगर मैं उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी हमारा पैसा नहीं देता, तो मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, 16 सेक्शन 16 बोलता है, कहां जाऊंगा, विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑन विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑन विच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है मैं वहां चला जाऊंगा, उस कोर्ट के अंदर मैं चला जाऊंगा। क्लियर आ गया समझ में? दूसरी चीज, अगर ये मेरी प्रॉपर्टी आधी पटेल नगर में आ रही है और कुछ पोर्शन आधे का मतलब है कुछ पोर्शन पटेल नगर में और कुछ पोर्शन करोल बाग में, तो मैं कहां जाऊंगा, एनी किसी भी कोर्ट में, एनी कोर्ट में चला जाऊंगा। ये कौन बोलता है, सेक्शन 17। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये मैं पता नहीं लगा पा रहा मेरी इस लाइन के ऊपर प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी, ना तो मैं ये पता लगा पा रहा हूं पटेल नगर में और ना लगा पा रहा हूं करोल बाग में, तो कहां जाऊंगा, जहां भी पार्टी चाहे वहां पे जा सकती है। और ये चीज कौन बोलता है, सेक्शन 18। समझ में आ गया ना तीनों चीज? सेक्शन 16 कहां, जिस ज्यूरिडिक्शन के अंदर मेरी प्रॉपर्टी पूरी सिचुएटेड है वहां, अगर हाफ कहीं है हाफ कहीं है हाफ का मतलब किस प्रोपोर्शन में कहीं कहीं है, तो सेक्शन 17 कहीं चले जाओ। सेक्शन 18 अगर मैं पता नहीं लगा पा रहा हूं दोनों में से, तो किसी भी एक में चले जाओ पार्टीज की कंसेंट है, विलिंगनेस। 17 में भी सेम ही चीज बोला, किसी में भी चले जाओ जिसमें भी है, ठीक है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी केस में बात करूं तो उसमें क्या होगा? अच्छा एक चीज और, ये ज्यूरिडिक्शन हम डिफेंडेंट की देखते हैं या प्लेंटिफ की देखते हैं? मेजर क्वेश्चन है। कोई मेरे अगेंस्ट केस किसी ने किया है, मैं अब अच्छा इस केस में कंबली की ज्यूरिडिक्शन देखेंगे या इसकी पप्पू की देखेंगे? क्यों, जिस चीज के ऊपर मैं वो पूछ रहा हूं ना आपसे, किस क्यों देखेंगे? मूवेबल के लिए बात कर लो, ऐसा क्यों? डिफेंडेंट क्लोज का हुआ है, नहीं सोच के देखो। मैं तो बस इसको मूवी के डायलॉग से याद रखता हूँ, घर में घुस के मारेंगे। डिफेंडेंट है जिसने गलती की तो घर में घुस के मार के आएंगे भाई, और क्या करेंगे? समझ में आ गया? मतलब कहने का यह है कि हम डिफेंडेंट की टेरिटरी में जाके हम उसको वो करते हैं सूट की, वो उसकी प्रेजेंस हो, वो एक्सक्यूज ना ले पाए, वो क्या ना कर पाए, एक्सक्यूजेज ना दे पाए। तो मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 19 और सेक्शन 20 क्या बोलता है, या तो जहां डिफेंडेंट रिसाइड्स, समझ में आ गया, जहां डिफेंडेंट रहता है, डिफेंडेंट रिसाइड। दूसरा, जहां उसका बिजनेस है और पर्सनली वर्क फॉर गेन, समझ में आ गया। और लास्ट, जहां कोज ऑफ एक्शन हुआ, आया था ना समझ में? ये तो कब है, जब इंडिविजुअल होगा। अगर कंपनी हुई तो क्या होगा, या तो कंपनी का जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां, चाहे वहां डिफॉल्ट हुआ है नहीं हुआ है कोई मतलब नहीं है, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में तो वहां कर दो। क्लियर? दूसरा, जहां कोज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, लेकिन नहीं सिर्फ कोज ऑफ एक्शन नहीं, प्लस अगर वहां कंपनी का ब्रांच ऑफिस है तो ही हो पाएगा, अदरवाइज कहां आएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस। एक छोटे से एग्जांपल का आंसर दे दो बस मुझे, अगर मेरा सिचुएटेड है हम कहां, दिल्ली में, अगर मैं कुछ अपना प्रोडक्ट बेचता हूं बॉम्बे में, मेरा बॉम्बे में कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, बॉम्बे में डिफॉल्ट हुआ है, तो उस बॉम्बे वाली पार्टी को डिफेंडेंट को कहां केस करना, प्लेंटिफ को कहां केस करना होगा, दिल्ली में। मेरा बॉम्बे में ब्रांच ऑफिस था तो कहां करना होगा, चाहे तो वहां कर दे चाहे यहां। मैंने मेरी ब्रांच ऑफिस है बॉम्बे में, मैंने प्रोडक्ट भेजा कलकत्ता में, अब कलकत्ता वाले को केस कहां करना होगा, दिल्ली में या बॉम्बे में या कलकत्ता में? वो बॉम्बे जा सकता है, मेरी कोई ब्रांच नहीं है, मतलब ना मेरा डिफॉल्ट कहां हुआ है, मेरा कलकत्ता में, प्रोडक्ट कहां है मेरा,
दिल्ली से मैंने भेजा है, ब्रांच 24 कहाँ है मेरा, बॉम्बे में, तो क्या वो कहाँ करेगा केस, बता दो, दिल्ली, बॉम्बे नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि कोज ऑफ एक्शन राइजिंग हुआ है। दोनों चीजें साथ साथ देखनी है, कोज ऑफ एक्शन भी राइज हो गया हो और मेरा ब्रांच ऑफिस भी हो तो कर सकता है, अदरवाइज रजिस्टर्ड ऑफिस पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया इतना क्लियर? हाँ, ज्यूरिडिक्शंस मेंशन करते, एक बार रिपीट करो। हम क्लियरली बोल देते आपको इस यहाँ हमारे कोर्ट में आना पड़ेगा, या तो वो बोल दे, हम उसमें बोल दो इन केस ऑफ कुछ भी होता तो। बस इसमें तो फिर हम, आप हमसे डीलिंग मत करो ना, फिर हम तो पहले ही बोल के चल रहे हैं चीज यार कि जो भी अगर डिस्प्यूट होंगे तो यहीं आना पड़ेगा आपको। एक आपने कुछ बचपन में चीज सुनी है, लिमिटेशन लो, तो हमारा चीज क्या होना चाहिए, लिमिटेशन एक्ट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिमिटेशन एक्ट को। अच्छा हाँ, सब्जेक्ट मैटर, सॉरी सब्जेक्ट मैटर, कोई मुझे इसके बारे में बताना चाहेगा, सोचना चाहेगा, सब्जेक्ट मैटर के मतलब क्या होगा? कुछ कोर्ट्स को तो डेजिग्नेट किया गया है कुछ पर्टिकुलर मैटर के लिए कि आपको ही करने हैं, और कुछ जगह बताया गया होगा कि आपको यही करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कुछ तो बताया गया कि आपको ये करने, इसके अलावा कुछ नहीं करना, और कुछ के लिए बताया गया है कि आपको ये नहीं करने है। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं टेस्टामेंट्री मैटर्स, किसी ने सुना है टेस्टामेंट्री का मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर डेट में इफेक्ट में आएंगे आफ्टर डेथ, तो ऐसे मैटर्स के लिए मिनिमम पावर किसकी है? कोई सिविल कोर्ट की पावर नहीं है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डायरेक्ट किसकी पावर है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप देख सकते हो जब मैं चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगा आपको, तो उसमें प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लिए हमने बोला गया कि जिस पावर कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट पावर, और पावर वो किसकी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। सेक्शन 376, सेक्शन 378, उसके अंदर एप्लीकेशन जाएगी प्रोबेट की या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कहां बताया गया है? हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ में आ गया? अब ऐसे में बात करूं फैमिली कोर्ट, उसके लिए बताया गया कि ओनली एंड ओनली फैमिली कोर्ट के पास पावर है किस चीज की? फैमिली मैटर्स लेने की। एंटरटेन किसके मैटर्स को करेगा? फैमिली डिस्प्यूट्स को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, फैमिली कोर्ट की जो लेवल है वो किसके इक्वल होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर मैं फैमिली कोर्ट का लेवल बोलूं तो उसकी एक अलग से ब्रांच रहती है, और उसका लेवल किसके इक्वल होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इक्वल, इज इक्वल टू फैमिली कोर्ट। वो कोई और मैटर को एंटरटेन नहीं करेगी, रिकवरी वगैरह नहीं, जो भी फैमिली से रिलेटेड मैटर होगा वो सारा का सारा कहां जाएगा? अगर भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है तो फैमिली कोर्ट। समझ में आ गया? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे होती है, उस केस में सिविल कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है। समझ में आ गया? इसके बारे में मैंने आपको क्या बोला है? लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ा है सबने एग्जीक्यूटिव में, लॉ ऑफ लिमिटेशन, टाइम बार्ड क्लेम नहीं होना चाहिए हमारा, विद इन द टाइम हम आएंगे, टाइम बार्ड क्लेम होगा तो कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। क्लियर? किसी ने एक टर्म सुना है वैल्यूएशन, हमें अपने हर एक सूट को, हमें अपना प्लेंट का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, हमें अपना सूट का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, जो मैं प्लेंट फाइल कर रहा हूं, जो मैं सूट फाइल कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट कर रहा हूं सूट, उसका क्या करवाना पड़ेगा? वैल्यूएशन। और सूट कैसे वैल्यूएशन? सीएस वैल्यूएशन करेगा? नहीं, सीए वैल्यू करेगा? नहीं, इसके लिए अलग से वैल्यूअर होंगे। वैसे किस एक्ट के अंदर होगा? अंडर सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887। क्या बोल दिया मैंने? सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887। क्लियर होगी बात? अच्छा, सूट वैल्यूएशन जो एक्ट है, वैल्यूएशन के पर्पस क्या होंगे, क्यों करवाते होंगे वैल्यूएशन? सोचने वाली बात है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपके अगेंस्ट कॉपीराइट, आपने मेरा कॉपीराइट इंफ्रिंज कर दिया, 20 करोड़ का क्लेम कर दो भाई, मैं आपके अगेंस्ट 20 करोड़ का एक्शन ले रहा हूं, क्यों? मैं मतलब ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी बोल दूंगा तो उसकी वैल्यूएशन होगी। हमें उसके ऊपर क्या करनी पड़ती है कोर्ट में? कुछ परसेंटेज फीस का देना होता। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर्ट फीस, ताकि कोई कुछ भी अपनी प्लेंट के अंदर लिख के ना बैठे कोज ऑफ एक्शन में, रिलीफ में। इसलिए हम क्या करते हैं? कोर्ट फीस का भी प्रोविजन होगा। समझ में आ गया? कोर्ट फीस। अच्छा, एक और कुछ टेक्निकलिटीज से आप बताना चाहो, मैं एक मिनट पहले आंसर दे चुका हूं इसका, पेक्टूनरी ज्यूडिक्शन चेक करने के लिए कि किस कोर्ट के अंदर मैं फॉल करूंगा, उसके लिए भी तो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? नहीं है तो दूसरे वाला पर्पस क्या है इसका? पेक्टूनरी ज्यूरिसडिक्शन चेक करने के लिए। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन चेक करने के लिए।
क्या क्या बोल दिया मैंने आपको, किन किन स्टेजेस से गुजरना होगा प्लेंट को, जब प्लेंट को हम सूट मान लेंगे कब, पहला क्वेश्चन ज्यूरिडिक्शन, दूसरा लिमिटेशन, तीसरा वैल्यूएशन। अच्छा, किसी अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट है, स्पेशल लीगल रिक्वायरमेंट है कोई, तो उसको भी फुलफिल करना होगा। स्पेशल लीगल रिक्वायरमेंट है से अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई भी केस करना है, किसके अगेंस्ट, स्टेट के, तो हमें सेक्शन 80 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड बोलता है पहले कलेक्टर ऑफ स्टेट के पास क्या जाएगा, नोटिस जाएगा कि सर हम आपके अगेंस्ट केस करना चाह रहे हैं, हम इस स्टेट के अगेंस्ट क्या करना चाह रहे हैं, केस करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल डाल देना, अभी आएगा इस चैप्टर में, इस बार पेपर में भी आया, 8 मार्क्स पता नहीं 5 मार्क्स की ड्राफ्टिंग आई है वो डायरेक्ट, और है मेरी बुक के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और एज यू ऑलरेडी नो कि 100% तो कवर हुआ ही है सारा का सारा, तो है वो मेरी बुक के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेक्शन 80 का नोटिस भी है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 80 के अंदर नोटिस जाता है इन केस अगर स्टेट के अगेंस्ट केस करना हो तो, समझ में आ गया। बस अब दो चीज रह गई इसमें, क्या आपने कभी ये सुना है रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडाइज, क्या मतलब होता है उसका, अगर मैं सेक्शन 10 की बात करूं और सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, पहले बोल रहा हूं मैं जितने भी सेक्शन अभी मैं यूज कर रहा हूं वो सारे के सारे सीपीसी के हैं, अभी मैं सीआरपीसी को बीच में इंडल्ज नहीं कर रहा हूं। तो सेक्शन 10 क्या बोलते हैं, रेस जुडाइस, और सेक्शन 11 क्या बोलते हैं, रेस जुड़ी काटा, कोई मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता देगा। रेस्ट सब्जुडाइज का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन, क्या होगा, पेंडिंग लिटिगेशन, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या, पेंडिंग लिटिगेशन क्या, अगर सेम पार्टीज है जो पहले पार्टीज थी किसी और कोर्ट में, सेम पार्टीज प्लस कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट की भी कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन है, और तीसरा सेम कोज ऑफ एक्शन या सब्जेक्ट मैटर, समझ में आ रहा है। तो इस केस में दूसरी वाली कोर्ट के पास पावर है, क्या लगा देगी, स्टे लगा देगी, पावर टू, इनहेरेंट पावर है समझ में आ गया, इनहेरेंट पावर टू स्टे। एक क्वेश्चन आप लोग मेरे से पूछना नहीं चाहोगे इसमें कि सेम ज्यूरिडिक्शन कैसे हो जाएगी, मतलब हम दोबारा केस कैसे लेके जा सकते हैं, समझ में आया, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया शायद, हम एक कोर्ट एक ही तो ज्यूरिडिक्शन में फॉल करेगी, हम दूसरी कोर्ट में कैसे जा सकते हैं केस लेके, 17 में जैसे कहीं पे भी कर सकते हैं, हमने एक कोर्ट में अपना अजमा के देख लिया, वहां लग रहा है यार यहां तो दाल नहीं गलेगी, दूसरे में पहुंच गए, अभी तो मैटर पेंडिंग है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर्पस क्या होगा, सेक्शन आने के पीछे पर्पस क्या होगा, एक तो बर्डन, सिमिलर केसेस का बर्डन को अवॉइड करना, जो बर्डन ऑफ सिमिलर केसेस को अवॉइड करना जो मेन है वो मैं पूछना चाह रहा हूं। दोनों के बीच में क्या ना हो, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ डिक्री, तो सेम मैटर के ऊपर एक कोर्ट ने तो कुछ और बोल दिया और दूसरे ने कुछ और बोल दिया और मजे ले रहे हैं बीच में, फिर आपस में लड़ाई हो रही है, कोर्ट की जजेस की लड़ाई हो रही है, वो बोल रहा है मेरा ठीक है, वो बोल रहा है मेरा ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए कोर्ट ने रेस सब्जुडाइज के सेक्शन को ला दिया। एक एक्सेप्शन होती है इसकी, किसी को पता है एक्सेप्शन, वन एक्सेप्शन बताओगे, वन एक्सेप्शन, अगर फॉरन प्रोसीडिंग चली हुई है, फॉरन में पेंडिंग है तो एक्सेप्शन, उस केस में हम एंटरटेन कर लेंगे, हमारे कोर्ट मना नहीं कर सकते, समझ में आ गया, फॉरन प्रोसीडिंग के केस में, क्लियर। अच्छा, रेस सब्जुडिकाटा क्यों लगता होगा, बताओ, ये कब होगा, डिसाइडेड केस है, केस में इसका पर्पस होता है फाइनलिटी,
फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट ए डिक्री डिसीजन, फाइनलिटी ऑफ डिक्री। समझ में नहीं है कि डिक्री अब तो फाइनल होने ही नहीं देंगे, बार बार जब तुम्हारे पास प्रोविजन अपील में जाने के रिवीजन में जाने के तो वहां जाओ, फ्रेश सूट फाइल करने का क्या मतलब हुआ? तो ये कब लगेगा? जब सेम मैटर होगा, सेम पार्टीज होंगी, सेम, अच्छा मेन चीज ये होनी चाहिए कि ओरिजिनल कोर्ट जिस पे हमने केस फाइल किया था उसकी जुडिक्शन भी थी। अगर उसकी जुडिक्शन नहीं थी और उसने फिर वो केस को डिसाइड कर दिया था तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। अगर उस वाली कोर्ट की और इस वाली कोर्ट की दोनों की जुडिक्शन है, सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर, तो ये सेक्शन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर हो गया भाई? ये सारी चीज अगर हमारी पूरी हो गई तो कोर्ट हमारे प्लेंट को क्या बोल देगी? सूट। क्या बोल देगी? सूट। क्लियर? ये हमारा प्लीडिंग था। बस अब इसके बाद कोर्ट क्या कर देगी? समन इश्यू कर देगी। किसको? किसको समन इश्यू कर देगी? ये डिफेंडेंट को। नियोक्ता, आ जाओ भाई शादी में, कोर्ट में आपकी शादी हो रही है। ये स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 8 कर लेते हैं, स्टेप नंबर 7। कोर्ट अब क्या बोल देगी? लाओ सर आपका स्टेप नंबर 7, सर आपका प्लेंट, अब हम इसको सूट मान लेते हैं सर, क्योंकि हमें अब एंटरटेन कर लिया हमने आपका प्लेंट, हमें सब चीजें ठीक लगी। अच्छा एक चीज और, मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि प्लेंट प्लेंट ही होता है, यहां पे सूट नहीं होगा, यानी एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर नंबर 7 रूल 11। क्या बोल रहा हूं मैं? अभी आएगा आगे, बस सुन लो। ऑर्डर नंबर 7 रूल 11, कोर्ट को अगर लगे कि प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट के अंदर कोर्ट एक्शन अच्छे से नहीं डाला है, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट के अंदर इसके ऊपर कोर्ट फीस प्रॉपरली पे नहीं की है, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट के अंदर प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं की है, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर उसके गेट उसको प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो वर्ड यूज किया गया लॉ ने भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वहां रिजेक्शन ऑफ सूट क्यों नहीं किया गया? दैट मींस इसका मतलब कोर्ट भी चाह रहा है ना, लॉ भी चाह रहा है ना, प्लेंट होगा ये सूट नहीं होगा। तो जब वो सारी चीज हो जाएंगे तो सूट। फर्दर एक सेकंड और है जो मैं जिस लिए मैं इसमें लॉ से ही पकड़ के बैठा हूं, सेक्शन 26, सेक्शन 26 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। वो क्या बोलता है कि कोई भी इंडिया में कोई भी सिविल सूट को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, कोर्ट के अंदर अगर एंटरटेन करना है, तो उसकी स्टार्टिंग होगी प्लेंट से, बाय वे ऑफ प्लेंट। तो ये दो वजह मुझे सॉलिड लगती है बोलना कि ये प्लेंट ठीक होगा, इसको हम सूट नहीं बोलेंगे। क्या बोल दे? तो ऑर्डर 11 सॉरी ऑर्डर 7 रूल 11, दूसरा सेक्शन 26, कोई भी सिविल सूट स्टार्ट होना तो बाय वे ऑफ प्लेंट ही होगा, तो वहां बाय वे ऑफ सूट क्यों नहीं बोला? सूट तो जो पूरे को सूट बोलेंगे ना, जब ये चलता रहेगा तो ये सूट है भाई, स्टार्टिंग क्या है? प्लेंट। समझ में आ गया ना? तो ये दो वजह थी मेरी। इसके बाद इसको क्या चलाएगा? स्टेप नंबर 8 समन। क्या चला जाएगा? स्टेप नंबर 8 समन। समन के क्या पर्पस होंगे? क्या पर्पस होंगे? आपको कार्ड आता है शादी का, क्या पर्पस होगा उसका? आप आ जाओ, और सर एक कुछ शगन भी ले आना साथ में तो आने से पहले भी शगन भेज सकते हो, वैसे आपको दिक्कत नहीं भी आओगे तो। हाँ जी, तो पहला क्या है? अपीयरेंसेस। सब्जेक्ट का नाम क्या था आपका? अपीयरेंसेस। ड्राफ्टिंग आ गया, प्लीडिंग आ गया, अपीयरेंसेस। तो पहले ड्राफ्टिंग होगी, उसके बाद प्लीडिंग होगी, उसके बाद अपीयरेंसेस होगी। हाँ, हालांकि मैंने अपना ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग ले रखा है ड्यू टू कॉपीराइट, मेरे को मिल नहीं रहता कॉपीराइट, तो मैंने पहले ड्राफ्टिंग के बाद अपीयरेंसेस किया, फिर प्लीडिंग किया। ठीक है, बट पहले प्लीडिंग होती है और उसके बाद ही अपीयरेंसेस। अब आपको पर्पस समझ में आया नहीं आया? जहां प्लीडिंग खत्म उसके बाद अपीयरेंसेस और ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा हमारा, यही बस इस स्टेज तक लाना था मुझे। वो डेफिनेशन थी ना, टू फाइंड आउट एंड नैरो डाउन, बस वो यहां तक लाने के लिए इतनी देर की मेहनत की, 2 घंटे की मैंने। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? अब अपीयरेंसेस, अपीयरेंसेस का ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 9, अपीयरेंसेस का ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 9। और क्या होगा? रिटर्न स्टेटमेंट। दो पर्पस होंगे, पहला पर्पस क्या है? अपीयर होना, सर आ जाओ हमारे सामने। अच्छा अपीयर कौन होगा अब? या तो हिमसेल्फ या फिर थ्रू एडवोकेट। अच्छा किसको अपीयर होना है? प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट, दोनों को, दोनों को अपीयरेंसेस तो दोनों को करनी पड़ेगी अपीयर। आ गया समझ में? और क्या करना है सर? आप रिटर्न स्टेटमेंट भी आपको फाइल करनी है। अच्छा ये हमारी लास्ट प्लीडिंग है यहां तक की। ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या बोला था मैंने? प्लीडिंग की डेफिनेशन क्या बोली थी? प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। अब जब डिफेंडेंट आने से पहले अपनी रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करेगा, इसको बोल देंगे प्लीडिंग। ऐसा समझ में? अब सपोज करो मैंने लगाए थे 10 एलिगेशन, इस 10 एलिगेशन में से डिफेंडेंट बोल रहा है सर मैं इसमें से 5 एलिगेशन मान रहा हूं, 5 तो मैंने एडमिट कर लिए सर, 5 में एडमिट नहीं कर रहा हूं, तो केस मेरा कितने का रह गया? एक बार डेफिनेशन बता रहा हूं मैं प्लीडिंग की, क्या लिखवाई थी? टू फाइंड आउट
10 तो फाइंड आउट करें हमने, ये मुद्दे नैरो डाउन, जितने आप मान गए उतनों को सेट ऑफ कर दिया, 5 के लिए तो अब आगे मुद्दा बढ़ेगा, आगे कोर्ट का टाइम बच गया ना। अगर प्लीडिंग नहीं होती, डायरेक्ट आपके एविडेंस मंगवा लेते, डायरेक्ट इसके ऊपर केस स्टार्ट कर देते, तो कितना कोर्ट का टाइम लगता? 10 के 10 पे टाइम लगता। अब कितने पे लगेगा? 5 पे। समझ में नहीं है? तो टू फाइंड आउट एंड नैरो डाउन द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। बस लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन फाइल करनी होती है, कितने दिन में फाइल करनी होगी रिटर्न स्टेटमेंट, कितने दिन में फाइल करनी होगी हमें? 30 डेज, विद इन 30 डेज। वैसे एक्चुअली लैंग्वेज जो होती है, मैं आपको बताऊं और आगे भी हम पढ़ेंगे, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अपीयरेंस, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अपीयरेंस। और अपीयरेंस की कितनी डेट होती है? 30 दिन। अपीयर करना कितने दिन में होता है? 30 दिन, या कोर्ट ने कुछ और बोला है तो। और लैंग्वेज क्या लिखी होती है? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा, समन का सेक्शन क्या होता है? समन का सेक्शन है सेक्शन 27। समन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 27। समन इश्यू करना है डिफेंडेंट को, सेक्शन क्या है? सेक्शन 27। अच्छा, सेक्शन 28 भी होता है समन का ही, लेकिन वो कब होगा? अगर मैं समन इश्यू कर रहा हूं डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट कहां रहता है? अदर देन स्टेट। अगर डिफरेंट स्टेट में रहता है, अगर एक ही स्टेट में कोर्ट है दोनों की, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट को समन इश्यू करना है लेकिन वो डिफरेंट स्टेट में रहता है, से मेरा केस हुआ है दिल्ली में, और डिफेंडेंट कहां रहता है? बॉम्बे में। तो डिफेंडेंट को, डिफरेंट स्टेट वाले को इश्यू करना है, तो किस सेक्शन में जाएगा? सेक्शन 28। अगर डिफेंडेंट आउटसाइड इंडिया रहता है, अगर डिफेंडेंट कहां रहता है? आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन 29। ये आप कोर्ट पे डिस्प्यूट वगैरह में आपके काफी हेल्प आ जाएंगे इन चीजों से। हमारे सिलेबस में 27 है, मैं आपको इतना कवर करके चल रहा हूं। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी में कोई भी दिक्कत आएगी सेकंड ग्रुप के डिसिप्लिन कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में, तो आपके पास सीपीसी इससे ज्यादा वास्ट में आप शायद ही एलएलबी में भी पढ़ पाओगे, शायद एलएलबी में भी आप इससे ज्यादा वास्ट में पढ़ोगे। प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद आप पढ़ लोगे, अदरवाइज ऐसे सेक्शन और ऑर्डर आप वहां पे भी नहीं पढ़ोगे। और तो सेक्शन 27 समन, सेक्शन 28 डिफरेंट स्टेट में रह रहा है, सेक्शन 29 फॉरेन कंट्री में अगर डिफेंडेंट रहता है तो समन, सेक्शन 30 एग्जामिन कर लेना, डिफेंडेंट को बुलाना और उसमें क्या करना, डिस्कवरी करना, फैक्ट्स की डिस्कवरी करना, एविडेंस करना, एविडेंस की डिस्कवरी करना, कहां जाएगा? सेक्शन नंबर 30 सिविल प्रोसीजर कोड के चल रहे सारे, क्लियर? तो 30 दिन में उसको करना है। रिटन स्टेटमेंट में क्या डाल के देगा वो? जैसे प्लेंट में उसने डाला स्टेट, अच्छा प्लेंट में क्या डालेगा? स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवियंसिस, क्या डालेगा? स्टेटमेंट ऑफ दुख अपना, ग्रीवेंस। और यहां क्या डालेगा? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, क्या डालेगा? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। तो नोट कर लो, इसमें क्या डालेगा अपना? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। क्या इसमें वो क्लियरली लिखेगा कि 10 में से मैं कितनों को मान रहा हूं और कितनों को मैं नहीं मान रहा हूं? क्या लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो स्पेसिफाई करेगा, स्पेसिफिकली बताएगा। क्या स्पेसिफाई करेगा? कितनों को मैं एडमिट कर रहा हूं और कितनों को मैं डिनाई कर रहा हूं। अगर मैंने 10 मैटर में से ये बता दिया कि सर बिजली के बिल का 2 करोड़, रेंट का 8 करोड़, कैश आपने 1 करोड़, जो भी मेरा एलिगेशन मैंने लगाई ऐसे ऐसे, उसमें से मैंने 5 का तो मैंने बोल दिया क्लियरली सर मैं नहीं मान रहा हूं इसको, 3 का मैं बोल रहा हूं मैंने मान लिया और 2 रह गए मेरे बिना साइलेंट, तो उसको क्या माना जाएगा, एडमिट या डिनाइल? अंजलि ये लिख लेना क्वेश्चन मैंने जो पूछा है, 10 आरोप लगाए हैं डिफेंडेंट कमली, कंपनी ने जो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की, 5 के लिए तो उसने बोल दिया सर मैं मानता ही नहीं हूं, मैं मान ही नहीं रहा हूं, 3 के लिए बोल दिया हाँ सर आई एग्री मुझे देने हैं, मैं एग्री कर रहा हूं भाई मेरी साइन भी है मुझे देने हैं, 2 के लिए मैं चुप रहा, मतलब 2 के लिए मेरा क्लाइंट कंपनी चुप रहा, तो क्या होगा उन 2 के लिए? डीम्ड अप्रूवल या डीम्ड रिजेक्शन? डीम्ड अप्रूवल, मान लिया जाएगा जैसे कि आपने उसको मान लिया। तो हमें क्लियरली स्पेसिफाई करना है या तो मान रहे हैं या नहीं मान रहे, अगर चुप रहे तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा जैसे कि आपने उनको मान लिया है। अच्छा, कुछ प्रोविजन पढ़ा होगा आपने, सेट ऑफ काउंटर क्लेम एग्जीक्यूटिव में, अच्छा कुछ ऑर्डर याद है उसका? ऑर्डर 8 रूल 6, रूल 6A पढ़ा था कभी? तो हमारे रिटर्न स्टेटमेंट का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 8। और इसी टाइम पे ही हम अपना सेट ऑफ या काउंटर क्लेम लिख के भेज रहे हैं, तो कहां भेजेंगे? रिटर्न स्टेटमेंट में। अगर हम बोल रहे हैं सर मैं मानता हूं 10 करोड़ देने हैं मुझे, लेकिन 8 करोड़ लेने भी तो है, उसको भी तो मेरे देने थे, तो सेट ऑफ अगर काउंटर क्लेम करना है तो यहीं पे होगा रिटर्न स्टेटमेंट में, यही वो स्टेज है। इसलिए इसी के अंडर ऑर्डर 8 के अंडर ही रूल्स बताए गए हैं, ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफ, ऑर्डर 8 रूल 6A काउंटर क्लेम, डन। ये हमारे यहां था, यहां हमारी प्लीडिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपीयर करना है थ्रू एडवोकेट या खुद से जाना है, दोनों पार्टीज को करना है, प्लेंटिफ को भी करना है डिफेंडेंट को भी। अगर एक पार्टी आई और एक पार्टी नहीं आई, या दोनों पार्टीज नहीं आई, प्लेंटिफ आया डिफेंडेंट नहीं आया, डिफेंडेंट आया प्लेंटिफ नहीं आया, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ऑर्डर नंबर 9
हमारा बात करेगा अपीयरेंसेज, तो उसके करेंगे एक्सपार्टी जजमेंट होगी या क्या होगी, एक्सपार्टी हियरिंग होगी क्या होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको प्लीडिंग बता दिया, तो आप बता सकते हो प्लीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फाइंड आउट एंड नैरो डाउन द कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, समझ में आ गया ना? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ईच साइड ऑफ द केस, दोनों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो एक बार मुझे बताओगे आज हमने क्या पढ़े? रूल नंबर वन क्या पढ़ा? राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 432 ऑफ कंपनीज एक्ट, पीसीए पीसीएस पीसीएम में कौन ऑफिसर या लीगल प्रैक्टिशनर कहां कर सकता है एनसीएलटी में अपीयर। दूसरा, रूल्स एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड व्हाइल अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट, ड्रेस कोड, और दूसरा टू एड्रेस द जजेज इन रिस्पेक्टफुल मैनर। कोर्ट के हायरार्कीज एक बार बताओगे मुझे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और पहले सिविल कोर्ट में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज उसमें बैठेगा, प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, जूनियर सिविल जज, स्मॉल कोस्ट कोर्ट या लोक अदालत, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, देन एडिशनल, अरे आप क्यों नहीं बोल रहे हो, असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज, देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, वहां से रिवेन्यू कोर्ट्स, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, कलेक्टर, देन उसके बाद ऑफिसर, देन तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा केस करना था तो केस में प्लीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? नहीं, पहले तो प्लीडिंग की डेफिनेशन, इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर प्लीडिंग का ऑर्डर 6, प्लेंट का ऑर्डर 7, रिटन स्टेटमेंट का 8, ऑर्डर 9 किसका? अपीयरेंसेस का। तो प्लीडिंग का पर्पस टू फाइंड आउट एंड नैरो डाउन द कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। स्टेप नंबर 1 लोन लिया, स्टेप नंबर 2 ड्राफ्टिंग करवाई, स्टेप नंबर 3 सिक्योरिटी और उसकी ड्राफ्टिंग करवाई, डिफॉल्ट किया, केस जा रहा है, कहां जा रहा है? कोर्ट में। कोर्ट में केस कैसे जाएगा? फर्स्ट स्टेज क्या होगी? प्लेंट, यानी कोई भी सिविल सूट की बिगिनिंग कैसे करेंगे? थ्रू प्लेंट या थ्रू प्लीडिंग, बोल सकते हैं प्लेंट या प्लीडिंग। केस कैस कितनी कॉपी जाएगी प्लेंट की? 2 इन डुप्लीकेट, ऑर्डर 4 रूल 3, ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी रूल 3 क्या बोलता है? इन डुप्लीकेट 2 कॉपीज जाएंगी, कहां जाएंगी? कोर्ट में। देन कोर्ट क्या करेगा उसके बाद? प्लेंट को क्या सूट मान लेगा? नहीं, कुछ चीजें चेक करेगा, हालांकि एडवोकेट भी चेक करेगा फाइल करने वाला, बट कोर्ट को भी कुछ चीजें देखनी है। क्या क्या? पहली क्या? ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन कहां बताई गई है? सेक्शन 9 बोलता है इंडिया में जो भी सिविल नेचर की मैटर है सारी सिविल कोर्ट देख सकती है, सब्जेक्ट टू क्या बोला गया है? एक्सप्रेसली इंप्लाइडली बार्ड ना हो, जैसे कोई भी स्पेशल एक्ट, सारफेसी, डीआरटी, कंपनी लॉ, आईबीसी, स्पेशली कोई भी स्टेट के मैटर, तो इंप्लाइडली बार्ड। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमने पहले से ही कर रखा है कि आर्बिट्रेशन में जाना है तो इंप्लाइडली बार्ड हमारा, एक्सप्रेसली बार्ड हमारा। देन उसके बाद बात करें ज्यूडिक्शन, पेक्यूनरी ज्यूडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर, सेक्शन 15 पेक्यूनरी ज्यूडिक्शन, लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट, सेक्शन 16-17-18 क्या बोलता है? इमोवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर हम टेरिटोरियल ज्यूडिक्शन देखनी है, कहां? विद इन द टेरिटरी इन विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, अगर एक से ज्यादा कम उसमें है तो किसी में भी, अगर कहीं पता नहीं लगा पा रहे तो किसी में भी। अब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग, सेक्शन 19 और 20, अगर इंडिविजुअल है तो जहां डिफेंडेंट रहता है, पर्सनली वर्क फॉर गेन या बिजनेस करता है, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, और लास्ट अगर कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर कोज ऑफ एक्शन प्लस ब्रांच ऑफिस तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन अगर बात करें इसमें, उसके बाद क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट मैटर, फॉर एग्जांपल अगर बात करें टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फॉर एग्जांपल फैमिली कोर्ट तो फैमिली, यानी सब्जेक्ट मैटर को, और तीनों चीजों को चेक करना है एक बार में, क्या पैसे इस लिमिट के अंदर आ रहे हैं, क्या वो हमारी ज्यूरिडिक्शन के अंदर आ रही है, क्या सब्जेक्ट मैटर फॉल कर रहा है तो होगा। देन उसके बाद हमने क्या बताया? दूसरा, लिमिटेशन एक्ट को बार तो नहीं कर रहा है। तीसरा क्या बताया? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के पर्पस दो, एक तो कोर्ट फीस कैलकुलेट करना और दूसरा पेक्यूनरी ज्यूडिक्शन चेक करना। देन उसके बाद क्या बताया? लीगल रिक्वायरमेंट अगर किसी की, जैसे सेक्शन 80 के अंदर बताया गया स्टेट के अगेंस्ट अगर केस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा कलेक्टर ऑफ स्टेट को। देन उसके बाद क्या बताया? रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडाइज। रेस सबजुडाइज का मतलब सेक्शन 10 स्टे लगा देना, अगर कोई ऑलरेडी पेंडिंग सूट है तो दूसरे केस में नहीं ले जा सकते, कोर्ट के पास पावर है, इनहेरेंट पावर है, स्टे लगा देगी, लेकिन ये कब नहीं लगेगा? फॉरन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो नहीं। सेक्शन 11 रेस सबजुडाइज, नहीं रेस जुडिकाटा, उसमें क्या बताया गया? फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। अब बार बार लगे ही रहोगे आप लोग, तो अगर सेम मैटर सेम पार्टीज अगर डिफरेंट कोर्ट पे जा रहे हैं, उसकी भी कॉम्पिटेंट ज्यूडिक्शन है, तो वो एंटरटेन नहीं करेगी, बोल देगी सर इसके लिए आप अपील पे जाओ, आपको फ्रेश रूट नहीं लेके आना इसके लिए मैटर। देन उसके बाद क्या बताया मैंने आपको? फिर कोर्ट क्या कर लेगी इसको? एंटरटेन कर लेगी सूट को। देन उसके बाद साथ साथ समन इश्यू कर देगी, अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 27।
सेक्शन 27 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड समन इशू कर देगी, और समन के कितने पर्पस, दो, एक तो आपको अपियर करना है कब, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, 30 दिन के अंदर आपको अपियर करना है, और रिटर्न स्टेटमेंट भी आपको फाइल करनी है। रिटर्न स्टेटमेंट कब करनी है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अपियरेंसेस। अब अपियरेंस कब करना था, 30 दिन में, तो उससे पहले आप अपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, कुछ भी अगर मैं एडमिट कर रहा हूँ, कुछ भी मैं डिनायल कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली डालेंगे। और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, अगर कोई भी सेट ऑफ या काउंटर क्लेम लेना चाह रहे तो इसके अंदर, और हम अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देंगे, फिर फाइनली हमारी क्या होगी, अपीयरेंसेज। अब हम अपीयर होंगे, अपीयर होने के बाद फर्स्ट हियरिंग में ही अगर डिफेंडेंट आया, प्लेंटिफ नहीं आया, प्लेंटिफ आया डिफेंडेंट नहीं आया, दोनों नहीं आया, दोनों आए, तो चार प्रोबेबिलिटी होगी, नेक्स्ट क्लास में उसकी हम बात करेंगे। डन, तो ये आपका आज बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया प्लीडिंग का, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे क्लियर। चलो।